वीरभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। आदित्याय नमो नमः। मंत्री राजशेखर जी की जय हो। मंत्री राजशेखर जी की जय हो। सदानंद, क्या है? क्या मैं सचमुच गांधी जी के उत्सव में आया हूँ ऐसा सोच रहे हो क्या? तो फिर काय के लिए आए हो? गांधी जी के सहारे करोड़ों रुपए कमाने के लिए आया हूँ। वो कैसे है? सुन, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए तुमने अभी तक कितना कमाया है? अरे अब इसमें मैं क्या बताऊं, सीमेंट में घोटाला करके यही करीब करीब 30 लाख रुपए और 2 नंबर में घर बना बना के करीब 20 लाख रुपए, यानी कुल मिला के लाखों का गोलमाल किया है। हाँ, है ना? आपकी दया। लेकिन अब करोड़ों का मौका मिला है। क्या? गिरना मत, इधर आ जा। इधर डैम का जो प्रोजेक्ट है उसके सैंक्शन की बात मैंने दिल्ली की फाइल में खुद अपनी आंखों से देखी है। तब वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाएगा ना? मिनिस्टर ने वो फाइल मुझे खोल कर दिखाई और तू कितना बड़ा पागल है मैं अब समझ गया। सुन, ये बात अगर पेपर में आई तो टूर कंपनी वाले रेट बढ़ा देंगे ना, इससे पहले तू टूर कंपनी वालों को अपने हाथ में कर ले। अरे किसको हाथ में करना है, बस मुझे बता दीजिए, बिना बिल के कागज बना के ट्रकें भर भर के माल पहुंचा दूंगा। मैं लाखों का हिसाब किताब हो जाना चाहिए। बाप रे, कॉन्ट्रैक्ट में तू पैसा कमाना ही वाला ना, जो मैं बोलता हूँ। भैया अगर ये सारा इंजाम मैं कर दूंगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलेगा ना। तू जैसे मूर्खों को मैंने अपना कॉन्ट्रैक्टर बना के रखा है, ये मेरी गलती है, जो बोलता हूँ वो करना। और सुन, उसमें अपना 50-50 होगा। समझ गया। और सुन, स्विस बैंक में। अरे क्या कह रही हो, मैं कभी भूला हूँ। आप चिंता मत कीजिए, रोड के किनारे किनारे समझ लीजिए हमारे पाइपों की लाइन लग जाएगी। सुन राकेश जी। साहब जी, पता नहीं क्यों मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम एक काम करो जी। बोलिए। तुम DCP को जाके बता दो जी। बहुत अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर ने घोटाला किया है उन्हें बताओ। ठीक है साहब जी, जाओ। नमस्कार इंजीनियर साहब। सदानंद जी। हाँ जी, बोलिए। इन पाइपों को आप ही यहाँ लेकर आए ना? अरे ये आप क्या बात कर रहे हैं, मैं नहीं लाऊंगा तो और भला यहाँ कौन ला सकता है? वैसे भी भला इसका कॉन्ट्रैक्ट और किसको मिलने वाला है? आप शायद मेरी बात नहीं समझे। हाँ। मेरी बिना इजाजत के आप ये पाइपें यहाँ लेकर क्यों आए? भैये इस प्रोजेक्ट का जब आप टेंडर निकालेंगे तो इसका कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे ही मिलने वाला है ना, बस इसीलिए लेकर आ गया। अच्छा। हाँ? ये आपके होंगे, किसी ज्योतिष ने बताया? जी हाँ बताया, मेरी रेखाएं देखकर बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पर छप गया है, ऐसा बताया। बहुत बड़ा ज्योतिष है। शट अप, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, सजा मिलेगी। जेल की सजा? और मुझे? चिरकुट हो, पागल लगते हो, किसी और की बात मुझे सुना रहे हो। जब थोड़ी देर में DCP यहाँ पहुँच जाएंगे खुद समझ जाओगे। भैया इंजीनियर साहब ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है, अगर ये जिंदा रह गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिलेगा। ऐसा करो इसे सुला दो। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रताप राव जी हैं, आइए बैठिए ना। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या बात है, कैसे आना हुआ?
मैं किसी को गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। यहाँ तो जनता के सेवक हैं, जनता के साथ धोखा करने वाला कोई नहीं है। जिसका जमीर मर जाता है वो लोगों के साथ धोखा ही करता है। प्रताप राव जी, मेरे बारे में जानते हो ना, जब मैं पैदा हुआ था माँ माँ नहीं पुकार रहा था, अहिंसा अहिंसा पुकार रहा था। मैं वैसा गांधीवादी हूँ। गांधीवाद बोलने वाला हाथ में ब्रांडी का ग्लास लेकर मुझे गांधी का पाठ सिखा रहा है, वो भी मंत्री की कुर्सी पर बैठकर। भैये अचानक इस समय कौन सी बात करने के लिए आप आए हैं? प्रोजेक्ट असिस्टेंट इंजीनियर का किसी ने बड़ी बेरहमी से खून कर दिया है। बेचारा बहुत अच्छा इंसान था, जरा माला लेके आना। अपने टेंडर को पास कराने के लिए ही सदानंद जी वहाँ गए थे ना, लेकिन उस इंजीनियर ने वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें देने से साफ इनकार कर दिया। ये सब विपक्ष की चाल है। लेकिन मुझे वहाँ किसी नाम का पहला शब्द मिला है, क्योंकि उस असिस्टेंट इंजीनियर ने दम तोड़ने से पहले अपने खून से एक नाम लिखा। क्या नाम लिखा? राजा इसे दो अक्षर लिखे, राजशेखर भी हो सकते हैं, या आपने अपने एक किसी आदमी के जरिए इसका खून कराया। अच्छा डीसीपी साहब, राजा इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही हूँ। राजा गणेश हो सकता है, राजा गोपाल हो सकता है, राजा वर्मा हो सकता है, ऐसे कितने ही नाम इस राजा से बन सकते हैं। राजशेखर साहब, मैं 10 लाख वोटरों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। किसी का खून करके सबूत मिटाने की भले ही कोई कोशिश कर ले, लेकिन याद रखना, जब तक खूनी को नहीं पकड़ लेगा ये डीसीपी राय और इस केस की तहकीकात पूरी होने तक तुम ये गांव छोड़कर नहीं जा सकते, समझ गए ना? भाई ये डीसीपी तो हमें धमकी दे के जा रही है। तुम सोचने में अपना टाइम खराब मत करो, जो इंजीनियर मरा है उसकी जगह पर हमारा आदमी होना चाहिए। समझो, हो गया, मुझे अब याद आ गया, मेरा जो साला है ना, उसने इंजीनियरिंग 3 अटेम्प्ट में पास की है, क्यों ना उसे ही लगवा दे। हमें किसी पढ़े लिखे इंजीनियर की जरूरत नहीं है। हाँ। हमारी बात मानने वाला इंजीनियर चाहिए। तब तो डैम का कॉन्ट्रैक्ट झट से निकल जाएगा ना। फिर इसकी चिंता तुम क्यों करते हो? देश का नुकसान, जनता का नुकसान, और इतना ही नहीं, उस सीट पर जो इंजीनियर आके बैठेगा उसका ही नुकसान होगा। हाँ सही कहा, उस नुकसान के बारे में भला हम क्यों सोचे। सदानंद, वैसे इस कुर्सी पर कौन आके बैठेगा? सब हमेशा नाश्ते पर आ जाते, आज अभी तक आए नहीं, वो कभी ऐसा नहीं करते। यू आर करेक्ट भैया, आपका भैया कभी जबान से नहीं बदलता, लेकिन तू है कि बिना लता के ही नाश्ता करने के लिए बैठ गए, शर्म नहीं आती? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही, बैठो जल्दी बैठो। बेटी लता। भैया, लता पर हमारा लाड प्यार ज्यादा हो गया है, कल जब कहीं उसकी शादी हो जाएगी तो हमें बहुत रोना पड़ जाएगा, याद रखना। बेटी, फाइनल ईयर के बाद तुम कॉलेज छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। मेरे मन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जब भी मैं तुम्हारा फोटो देखती हूँ बस देखते रहने का मन करता है। अब हम कब मिलेंगे डियर? बेटी लता। अरे बाप रे, डैडी कहाँ हो बेटी? क्या हुआ डैडी? ये क्या बेटी, वहाँ नाश्ते के लिए तुम्हारे ताऊजी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चल बेटी। ताऊजी आए हैं? हाँ। वाओ, चलिए चलिए। हेलो, हाँ है, एक मिनट। किसका फोन है? कोई मंत्री जी हैं। मंत्री जी हैं? हेलो, हाँ हाँ नमस्कार जी। फोन में भी खड़े होके बात करेंगे? हाँ हाँ बोलिए सर। अरे वो हमारा सदानंद है ना, कॉन्ट्रैक्टर,
वो अपने साले को तुम्हारे पास भेज रहा है, कल वहाँ पे इंटरव्यू है ना, उसे सेलेक्ट कर लेना। लेकिन उस पोस्ट के लिए तो मेरिट 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 पे अगर नौकरी देनी होती तो फिर हम लोगों की क्या जरूरत है, जो कहा वो करो। ठीक है सर, ठीक है। किसका फोन है? मंत्री राजशेखर जी का, सदानंद के साले को नौकरी देने के लिए फोन किया है। तो हाँ कर दिया क्या? अब उनके बात को भला कैसे टाल सकते हैं? तेरे घर का खाना तो मेरे लिए हराम है भैया। अरे आप बैठिए ना ताऊ जी, डैडी मुझसे पूछे बिना किसी को भी नौकरी नहीं देंगे। तुम्हारी बात पर यकीन करो, मैं इतना पागल नहीं हूँ। अगर ये डरपोक है तो इसके मन में जो आया करे। रुकी डैडी, मैं आपको एक आइडिया दूँ, जो भी मेरिट में नंबर वन हो उसको नौकरी दे दो, उसके बाद अगर पूछे तो कह देना मेरी याददाश्त कम है, आपने जिस लड़के का नाम बताया था मैंने सोचा वही है, नौकरी दे दी। क्यों ऐसा करोगे ना? हाँ वो करोगे या नहीं ये बताओ। वहाँ चाहिए डैडी। ठीक है, करता हूँ। वैसे तो मैं यहाँ आना नहीं चाह रहा था। कोई बात नहीं, बैठो। बेटे तुम राजशेखर जी के साले हो ना? जी हाँ सर। आप सिगरेट पियेंगे? हाँ नहीं तुम पियो, मंत्री जी के रिकमेंडेशन पे आया है। हाँ वो तो दिख रहा है ना, धुएं से तकलीफ है। हमारे मुंह पर सिगरेट का धुआं फेंकते हैं, हमने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है, जाओ। बाय। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। आर यू मिस्टर भार्गव? यस सर। हमारे देश के पिता कौन है? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, सारे जगत में अहिंसा का प्रतीक। पृथ्वी किसका चक्कर काटती है? पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है। ये बताओ भूमि की चक्कर काटने की रफ्तार क्या है? एक घंटे में 50 मील। आज दुनिया में कौन सा फुटबॉल का प्लेयर मशहूर है? बहुचर्चित बेखम। इंजीनियर का काम क्या होता है? बिना किसी स्वार्थ के देश की उन्नति के लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाना, योजनाओं को साकार करके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सफल बनाना। पहले विश्व युद्ध का कारण कौन है? वो एक डॉक्टर के कारण हुआ, क्योंकि जब पहली बार विश्व युद्ध हुआ तो साइंटिस्टों के इजाज़ से वहां पर हमले किए गए। युद्ध के बाद जब हर जगह पर महामारी फैल गई तो डॉक्टरों की लापरवाही से बेशुमार लोगों की जानें चली गईं। यहां तक कि उसके बाद जो लोग पैदा हुए वो कई कमियों के साथ पैदा हुए, लेकिन जिन देशों ने हमले किए वो अपने आप में हीरो बन गए। इसीलिए इसके लिए साइंटिस्ट जिम्मेदार हैं। आपके पिताजी कौन है? ये मेरे इस इंटरव्यू से संबंधित सवाल नहीं है, इसलिए आई एम सॉरी सर। आखिर में एक और सवाल, इस समय मेरे दिल में क्या है तुम बता पाओगे? यही कि मैं इस नौकरी के योग्य नहीं। ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? और नहीं तो क्या कहूँ, जब मुझसे मुद्दे पर सवाल ना पूछकर इधर उधर के सवाल पूछे जाएंगे तो मैं क्या कहूँ? मुझे एक बात तो बताइए सर, इंजीनियर की पोस्ट के लिए क्या ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं? गांधी जी के बारे में पूछ रहे हो, पृथ्वी और सूर्य के सवाल पूछ रहे हो, और फिर फुटबॉल कौन खेलता है? क्यों, किसी इंजीनियर की योग्यता क्या इसी से देखी जाती है? मेरी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, आपके हर बात पर भाषण देने वाला मैं कोई नेता नहीं हूँ जो आपके हर सवालों का फट से जवाब दे दूँ। हम अच्छी तरह जानते हैं कि डिग्री पाने के बाद हमें धक्के खाने पड़ेंगे। क्यों, इस देश की धरती हमारी माता है, हमारे देश का किसान धरती माँ की पूजा करता है। सर महात्मा गांधी ने हमारे देश को आजाद करवाया, लेकिन गुलामी आज तक नहीं गई है, और ना ही मुझे लगता है कि यह गुलामी खत्म होगी। क्यों पता है? क्योंकि सब लोग लालची बन गए हैं, किसी को पैसों की भूख है तो किसी को अपना रुतबा पाने की। वैसे तो आपने जो सवाल पूछा था मैं उसका जवाब देना नहीं चाहता था, लेकिन अब जवाब देकर जाऊंगा। मेरे पिताजी कौन है यही आपने पूछा ना? He is a liar, he is a cheater, अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर भागने वाला एक बुजदिल इंसान, और उसी के खून से जन्म पाया है मैंने। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह जान लीजिए कि मुझ में उसके संस्कार नहीं है। इस देश में आज भी महात्मा गांधी को पूछते हैं, गॉडसे को नहीं पूछते। माँ रोज सुबह उठकर स्नान करके हमारे साथ विश्वासघात करके भागने वाले इस इंसान की तस्वीर के सामने आंसू क्यों बहाती हो? आज हमारे समाज में जो बेइज्जती होती है इसका कारण यही है, हमें इसने कहीं का नहीं छोड़ा है। इसके बाद भी हमारे घर में इस आदमी की तस्वीर क्यों? अगर इस आदमी की तस्वीर भी आ रही तो हमारे लिए जीना तो दूर मरना भी दुश्वार हो जाएगा। भार्गव ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो बहुत पहले ही करना चाहिए था। तू अपनी माँ को अपनी आँखों के सामने विधवा बना दे बेटे। माँ भार्गव मंगलसूत्र पहनने वाली मुझे जब कोई गुस्सा नहीं है तो तुझे क्यों? मेरे माथे में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र, आज भी ये दोनों सही सलामत है उसके लिए। तुम्हारे पिताजी महान है बेटे, मैं उनका अपमान कभी नहीं सह पाऊंगी। क्यों?
क्यों रे, इंटरव्यू के लिए गया था? गया था। क्या हुआ? पवित्र नाय साधु नाम विनाशाय चतुष्गुरताम धर्म संस्थापन नार्थाय संभवामी युगे युगे। क्या बात है, बड़े बड़े श्लोक बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? जो पाप रहित होते हैं वो भगवान का अवतार होते हैं, इसलिए बिना किसी के रिकमेंडेशन के मुझे कोई नौकरी मिले ऐसा नहीं लगता, ये भी उसी में शामिल है। कुछ भी समझ में नहीं आया, जरा साफ साफ बता। तेरा ऑटो बैठ चुका है। किस लिए? अगर भविष्य में मुझे कोई नौकरी नहीं मिली तो मैं भी ऑटो चलाऊंगा। भार्गव ऐसा कभी मत बोलना। क्या इसी काम के लिए तूने यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल पाया? तुझे कोई बढ़िया नौकरी मिलेगी ऐसा हमने सोचा है। अब इतना पढ़ लिख कर तू ऑटो चलाए मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, बिल्कुल नहीं। रोजाना रोड पे ऑटो चलाते हुए किन किन बातों का सामना करना पड़ता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्यों, क्या होगा? खून खराबा। लगता है तुम भी इतिहास से वाकिफ हो, इसीलिए खून खराबे की बात कर रहे हो। क्यों रे, मैं सीरियस होके बोल रहा हूँ, तुझे मजाक लग रहा है? और नहीं तो क्या, हमारे पास के बाप दादाओं की जायदाद है, रोज पानी पीने के लिए रोज कुआं खोदना पड़ता है। ठीक है तेरी बातें माँ सुन लेगी, जाके हाथ मुंह धो ले। अरे भैया ये तो रोज आना की आदत हो गई है। तो मुझे भी डांट ले। तुम्हें क्यों? तुम्हारी परमिशन के बिना अपने पुराने कॉलेज में जो फंक्शन है उसमें तुम वरदान दोगे ऐसा कहकर आया हूं। तुम्हें वरदान देने के लिए मैं क्या शंकर महादेव हूँ? मैं नहीं दूंगा, जाओ। ऐसा मत बोलो। मेरी बात मान, ये ड्रामा तू कर ले। अरे करूंगी, मेरे साथ में कौन होगा? देख हमने कुछ लड़कों को सिलेक्ट किया है, जरा इसे देख। ये थोपड़ा तो देख इसका। तो फिर ये तो एकदम भोंदू है। अच्छा ये वाला? बाप रे इसका तो दिमाग ही नहीं है। ये फालतू फोटो क्यों दिखा रही है, असली वाला फोटो दिखा ना। ए भार्गव ऐसे मत बैठ, मेरी बात मान लेना, मान ले। मैं नहीं मानूंगा। ए भार्गव प्लीज मेरी बात मान लेना। मैंने कह दिया ना। माँ जी ये बात क्यों आ रही है, खाना जल गया क्या? नहीं बेटी। ये लो सब्जियाँ। मेरी अच्छी बेटी, शंकर तुझसे शादी करके तुझे अपनी पलकों पे बिठा के रखता है वो। ए मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मान लेना। जिस कॉलेज से मैंने गोल्ड मेडल पाया है उसी कॉलेज के प्रिंसिपल आजकल वहाँ पर प्रिंसिपल हैं, मैं नहीं आऊंगा। ए मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, मेरी बात मान लेना यार, मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी बात मान लेना। ओ तुम हो, तुम यहाँ कब आई? जब तुम भैया को मनाने की कोशिश में थे तब मैं बाजार से आई, जब तुम भैया के सामने हाथ जोड़ रहे थे तब मैं अंदर किचन में थी, और जब आप भैया के पैर पकड़ रहे थे तब मैं यहाँ थी। देखो तुम मेरी अच्छी पत्नी हो ना, अगर बोलकर आती तो ऐसा काम नहीं करता ना। उसकी कोई जरूरत नहीं। भैया से आप इतनी विनती किस लिए कर रहे थे? ड्रामे में काम करने के लिए। मेनका कौन बन रही है, भैया को आपने बताया क्या? कौन कर रही है? लता। लता आप तो मानोगे ना। लता हो या फीता हो, प्रिंसिपल प्रिंसिपल हैं। सही कहा, मैं कहां जाऊं भगवान। टिकट ले लिए हैं? क्यों, लोगों से पैसे कमाने के लिए? ऐसा नहीं है यार, उस ड्रामे से जो पैसे आएंगे अनाथ आश्रम में दे देंगे। अरे सुन जरा सामने आ। छे अच्छा नहीं लगेगा वो सामने। मैं अंदर जा रही हूँ। अबे सुन, मन तो करता है कि मैं तुझे, अगर तू इस तरह से पैसों का ऐसे प्रोग्राम पे खर्च करता रहेगा तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये सब एक्टिंग है, लता के लिए ड्रामा है। ये लता कौन है? तुझे सुन का मुख नारी सुन, पास मेरे रहा मुझको क्या, तेरी नश्वर जवानी से का। Yeah.
अपनी तपस्याओं त्याग को छोड़ दूं क्या? मार्ग कमेने पूछा पता क्षमा करो मुझको। आजा बताती हूँ मैं तुझको असली तपस्या क्या होती है। अपनी तपस्या छोड़ के तू यौवन का रस पी के तो दे। हाय काबू से भरी नारी, ये नारी भगवान बचा। हट जा परे, दे दूंगा वरना सब तुझे। तू क्या पूछे मुझसे कुटिया का रास्ता, भरपूर जवानी है मेरे पास, रुक जा। मुझको क्या तेरी नश्वर जवानी से का। क्यों करती है ऐसी बात? लगेगा तुझको नारी, मैं नहीं हूँ ऐसा। आके मुझको तेरा जीवन हो जाएगा स्वर्ग समान। देख मेरा भरपूर यौवन भूल जाएगा भक्ति को। ठीक ऐसी बात करती तू ये नारी, दूर जा मुझसे। मोह में न डाल, जाने भी दे तपस्या भंग करना। तू क्या पूछे मुझसे कुटिया का रास्ता, भरपूर जवानी है मेरे पास, रुक जा। मुझको क्या तेरी नश्वर जवानी से का। वो लड़का सिविल की पढ़ाई में तो ठीक है, लेकिन फाइन आर्ट्स में भी बहुत अच्छा है। डैडी भार्गव को जानते हैं? आज वो इंटरव्यू के लिए आया था, वही मिला था। मेरिट पे अगर देखा जाए तो नौकरी उसे ही मिलनी चाहिए। तो क्या तूने उसको नौकरी नहीं दी? वो मंत्री जी का लड़का आ गया था ना। गलती से खाना खा लिया। ताऊजी, ताऊजी, बैठो ना। रुकिए तो सही, अब आपको क्या चाहिए? यही ना कि डैडी उस मिनिस्टर को फोन करें और कहें कि उस लड़की को नौकरी नहीं मिलेगी। यही बात है ना जो आप चाहते हैं? तभी ये प्रताप राय अपने छोटे भाई को भाई मानेगा। मेरे डैडी कभी कोई गलती नहीं करते हैं ताऊ जी। इनके सामने कोई भी वीआईपी कुछ भी नहीं है। ये जिद पे आ जाए तो किसी को भी बाहर निकाल देते हैं। आप देख लीजिए, अभी मिनिस्टर को फोन करेंगे। तू क्या है, तेरी औकात क्या है? तूने जिस लड़के को भेजा उसके लिए नौकरी नहीं है, जा। बोलने वाले हैं हेलो, मैं भानु प्रताप बोल रहा हूँ। तुम्हारी 100 साल की उम्र है, अभी तुमको याद कर रहे थे। क्या हुआ, हमारे कैंडिडेट को नौकरी मिल गई ना? आई एम सॉरी सर, नहीं मिली, ये बताने के लिए मैंने फोन किया है। क्या? जी हाँ, वो लड़का उस नौकरी के लायक बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने पास नहीं किया। उससे कहना है कि वो इस नौकरी के लिए भूल जाए। भैया, किसी ने तुम्हें डरा दिया है? मुझे नहीं, तुम्हें। हा? तुम्हारे साले को उसने नौकरी नहीं दी है। ये तो गजब हो गया, हमारी तो उसने बंद कर दी। तुम्हारी बात मान के मैंने स्विस बैंक में पैसा भी जमा करा दिया। बाप रे, वो किसी और काम में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन उसने हमारी बात को क्यों नहीं माना? पता नहीं क्यों। अगर उसे अपना काम निकलवाना है तो किसी दारूड़िए को पकड़ना होगा। अभी भर के देता हूँ। अरे कालिदास, तू यहाँ है? चलो मिल तो गया। तू कहाँ मर गया था रे? तुझे तो ढूंढते ढूंढते मैं मर गया। ये क्या, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, जो पेड़ के नीचे ताली पी रिया? एक आदमी का आज खून करना है, उसे के लिए तैयारी में लगा हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? ओए होए, राजशेखर जी ने तुझे एक छोटा सा काम सौंपा है, क्योंकि ये काम बस तू ही कर सकता है। तो बताओ, हाथ पैर या मर्डर? अरे इतना बड़ा काम नहीं है भैया। अरे वो इंजीनियर भानु प्रताप जी है ना, उनसे इस फाइल में छोटा सा दस्तखत करवाना है। दर 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 दर। अगर ऐसा छोटा काम करूंगा तो इस कालिदास की प्रेस्टीज का क्या होगा? जमुरे, जी गुरुदेव, तू जाके इस फाइल पे साइन करा के ले आ, मैं मर्डर करने जा रहा हूँ। ठीक है गुरुदेव,
जम जमा के चम चमा के। इंटरव्यू का क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। आज के इस रिकमेंडेशन के जमाने में पता नहीं कितने सर्विस इंजीनियर रोड पर हैं। मन तो करता है चीफ इंजीनियर का कॉलर पकड़ लूं। अच्छा, मुझे चीफ इंजीनियर का एड्रेस मालूम है। सच में कॉलर पकड़ लोगे ना? हाँ दिखाओ, जरूर पकड़ूंगा। ये सब क्या है? इस फाइल में अपने साइन कर दे। क्या है इसमें? सदानंद का जो साला है ना रामचंद्र, उसकी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर है ये। चल साइन कर। नहीं करूंगा। क्यों, अब तो इस पे साइन करेगा ना? मैं मर जाऊंगा पर नहीं करूंगा। ये बात है। जो काम मुझे करना चाहिए था शायद कोई और कर रहा है। चलो हम चलें। वही तो मेरे डैडी है। क्या? इस तरह से मत देखो, पहले मेरे डैडी को बचाओ। जाओ। भैया ये तो अच्छा है वक्त पर भार्गव आ गया, वरना वो कमीने जबरदस्ती अपॉइंटमेंट लेटर पर मुझसे साइन करवा लेते। मिस्टर भार्गव, हमारे परिवार पर तुम्हारा ये ऋण है। आपका परिवार नहीं, आपके डिपार्टमेंट पर। मैं चलता हूँ। इंजीनियर के घर में अगर मारपीट करना गलत नहीं है तो इतना अफसोस क्यों कर रहे हो? मैं यही हूँ मेरे बेटे। खाली पीली, इस तरह लोगों से फाइट करने में तुम्हें क्या मिलता है? फिल्मों में ऐसी फाइट करोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे ना। मेरी जान जा रही है, तुम सबको मजाक सूझ रहा है। शिकायत करो। करती हूँ। माँ, क्या हुआ बेटे? नहीं, इस बार मैंने देवी माँ को बुलाया था। सही कहा। हेलो। अरे तुम हो? अभी शर्ट पहन के आता हूँ। इन्हें क्या हो गया? मैं तो बधाई देने के लिए आई और ये भाग गए। दरअसल अचानक तुम आ गई हो ना, इसलिए शर्मा गया, कपड़े पहन के आएगा। इधर आओ। पहले जरा पकड़ो। क्या पकड़ूं? माला? अरे ये कवर पकड़ो ना। सब लोग ताली बजाइए। आज के जमाने में पैसे दो तो ताली बजाई जाती है, खाली पीली कोई नहीं बजाता। सब लोग खुशी से फूले नहीं समाओगे, ऐसी खबर मैं देने वाली हूँ। हमारे चीफ इंजीनियर के दफ्तर में इन्हें नौकरी मिल गई है, ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर है। अरे शंकर भैया, मुझे काम है, इन्हें नीचे उतारोगे? क्यों, अब तुम उठाओगे क्या? छी, ऐसा नहीं है, ये माला पहनानी है। क्या बात है, मेरे बेटे को माला पहनाई है? इन्हें नौकरी मिल गई है ना, नौकरी मिलने पे शेक हैंड करते हैं। शादी हो तो माला पहनाते हैं, लेकिन तुमने दोनों ना करके कुछ और ही किया है। अच्छा तुम हो कौन? तुम्हारी जेठानी समझ लो। ओहो, जेठानी हो, ठीक है कोई बात नहीं। क्यों रे भार्गव, लता के लिए तुझे भी कुछ करना चाहिए। क्या करो आप ही बताइए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। सर झुकाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, उसने तुझे माला पहनाई है इसलिए तू उसके गले में मंगलसूत्र पहना दे। भैया, जय राम जी की। भैया, अरे बाप रे, ये क्या किस सोच में डूबे हैं? अरे इस तरह से मत बैठिए ना, अरे जेल में जो गए वो तो छूट जाएंगे ना। उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, फॉरेन से मेरा छोटा भाई आया। अरे है। ये क्या कह रहे हैं? अरे उसके आने पर तो आपको खुश हो जाना चाहिए, इस तरह मुंह लटकाने की क्या जरूरत है? एयरपोर्ट पर उतरते उसने एयर होस्टेस पे हाथ साफ कर लिया। बाप रे, ये तो थ्रिल हो गया। थ्रिल रहने दो, चल छुड़ा कर लेकर आते। तुम्हारा नाम? मैं मंत्री जी का छोटा भाई हूँ। I want your name. नाम क्या है? अरे बताया ना कि मंत्री जी का छोटा भाई हूँ। क्यों, कोई नाम नहीं है? है, लेकिन किसी को बताता नहीं, सब मंत्री जी का छोटा भाई ही कहकर बुलाते हैं, इसीलिए मैं सबको यही नाम बताता। अच्छा, रहता हूँ। तो मंत्री जी कहाँ रहते हैं?
वो यहाँ नहीं दिल्ली में रहा करते हैं। एयर होस्टेस का हाथ क्यों पकड़ा? अरे ऐसे ही बस मजा लेने के लिए। चुप कर, क्यों पकड़ा? क्योंकि मेरी बैटरी ज्यादा चार्ज हो गई थी। हाँ? मतलब मेरे दिल की बैटरी ज्यादा चार्ज हो गई थी। अगर पागलों की तरह बात करेगा तो अंदर कर दूंगा। भैया तुम्हारे भैया आ गए हैं। भैया ये मुझे जेल में डालने की बात कर रहा था। अरे बेकार में ऐसा मत बोलो, थ्रिल गायब हो जाएगा। भैया ये यहाँ के मंत्री जी हैं। हेलो। हेलो, ग्लैड टू मीट यू। देखिए वो मेरा छोटा भाई है। देखिए यहाँ आपको समझाना ठीक नहीं रहेगा, जरा इधर आइए। अरे जाइए ना भैया। क्या हुआ जी? तुम अगर बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं। हाँ बताइए ना। एयर होस्टेस का हाथ पकड़ना अच्छी बात नहीं है। अपने बेटे से भी ऐसा ही बोलोगे क्या? भैया तुम्हारी ऐसी हरकत से सेंट्रल तक बात पहुंचेगी। अरे मैंने बताया ना कि मेरी बैटरी कुछ ज्यादा ही चार्ज हो गई थी। चल रे चल। लगता है आपने उसे सबक सिखा दिया। मुंह बंद कर, बिना किसी केस के तुझे छुड़ा कर ले जा रहा हूं, ये क्या कम है? चल। अच्छा मैं एक बात पूछूं भैया। हाँ। मुझे थोड़ा शक हो रही है, जब तुम अमेरिका गए थे तो तुम्हारे बालों की स्टाइल अलग थी, अब वहाँ से आने पर रंगीले कैसे हो गए? अमेरिका में मैं जितने भी दिन रहा बस अपने दिल की बैटरी को चार्ज करता रहा। अरे बाप रे, कहीं एड्स वगैरह तो लेके नहीं आ गए? एड्स? हाँ। अरे वो तो बहुत खतरनाक बीमारी है। तू मुझे मरवा कर ही रहेगा, अपना मुंह बंद कर। बाप रे भैया इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं है रे, एक इंजीनियर को ठिकाने लगाना पड़ गया ना, इसीलिए भन्ने आए हुए हैं। क्या उसको जान से मार डाला है? भैया यानी आप हत्यारे हो गए? अरे हाँ रे, जरा गाड़ी रोक। ये पाइप देख रहा है? हाँ देख रहा हूँ। डैम का प्रोजेक्ट सैंक्शन होकर हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा सोचकर ही करोड़ों रुपए के पाइप लाके हमने यहाँ डाले हुए। तो आखिर इस काम में इतनी समस्या क्या है? भैया हमने सोचा था कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, लेकिन बड़े इंजीनियर ने इस कॉन्ट्रैक्ट की फाइल पे साइन नहीं किए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे करोड़ों रुपए डूब जाएंगे। तो क्या हुआ? कहो तो उस इंजीनियर की बैटरी को बम से उड़ा दूं? एक ने कोशिश की थी, वो जेल की सलाखें गिन रहा है। ये किसका आदमी है? वो मेरा आदमी है। तो कौन है? मंत्री जी का छोटा भाई। किस मंत्री का भाई है तू? और किसका, वही जो दिल्ली में रहा करते हैं। क्यों रे मंत्री के छोटे भाई, तेरा कोई नाम नहीं है क्या? मेरे नाम से तुम्हें क्या लेना देना, लेकिन मैं तुम्हारा नाम जान के आया हूँ मिस्टर प्रताप राव जी। जान का तू क्या कर लेगा, वक्त आने पर सब कुछ जान जाओगे। शट अप यू इडियट, किससे बात कर रहा जानता है? जानता है, तुम्हारे जैसे न जाने कितने पुलिस वालों को मैं देख चुका हूँ। तुम जैसे पुलिस वाले पैसों से टूट जाते हैं। दास दे दे। एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। हमेशा पुलिस में ही दिमाग चलता है, एक लड़की इंडियन पुलिस में जाके क्या करेगी? क्या करेगी? हाँ। ये तेरी इकलौती बेटी है ना, अगर पुलिस डिपार्टमेंट में जाएगी तो मर्दानगी आएगी। तुम्हें तो भैया बोलते हुए मुझे शर्म आती है। तेरे घर में मैं आया हूँ, मैं पागल हूँ? चाहे कुछ भी हो हमारी लता IAS करेगी। चाहे कुछ भी हो जाए IPS में भेजूंगा। किस तरह दर्द क्यों हो रहा है बेटी? क्या हो गया? पता नहीं क्या करूं। अरे भैया मेरा दिल बैठा जा रहा। आप तो मेरी बात मानोगे ना? अरे वो सब छोड़ो, पहले से अस्पताल लेके चलते हैं। चलो चलो बेटी। डॉक्टर डोंट वरी, शी विल बी ऑलराइट। ऑलराइट तो ठीक है, पर उसकी प्रॉब्लम क्या है? लड़कियों को जब पीरियड्स आते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ ही जाती है, लेकिन वो ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। थैंक गॉड, हम तो परेशान हो गए थे। तो डिस्चार्ज करा के घर ले जा सकते हैं ना? ऐसे भी क्या जल्दी है, दो दिन इसको यही रहने दीजिए ना, फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो वो हम देखेंगे। ओके, हम शाम को आएंगे। ओके चलो भैया। लता लता क्या हो गया था? प्लीज डोंट डिस्टर्ब। दरअसल इन्हें हुआ क्या? आई से डोंट डिस्टर्ब। अरे भैया मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने आंखें बंद कर ली हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये सब नाटक था। क्या नाटक था? हाँ, डैडी मुझसे IAS कराना चाहते हैं। ताऊ जी IPS के लिए बोल रहे हैं, मुझे भेजने के लिए दोनों के दोनों जिद पकड़े हुए हैं। तुमसे मिले कई दिन हो गए हैं ना, इसलिए उन दोनों को उल्लू बनाकर मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। बाप रे बहुत तेज हो। यही तो मेरी स्टाइल है। टाइम हो गया, चलो पार्क चलें। तो यहाँ कौन रहेगा? तुम्हारा प्यार का चक्कर में समझ गया हूँ। लता अपनी साड़ी निकाल कर मुझे दे दो। हाँ। मैं बेड पर लेट जाऊंगा, लेकिन तुम कुछ मत बोलो, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अब तुम जाओ जाओ। अरे बाप रे ये सब क्या हो रहा है? Thank you.
कैसा खुला है नशा सा नशा सा। इस नशे में आज तो बहक सा गया हाँ बहक सा। मैं तो चाहूँ तेरे प्यार के नशे में डूब जाऊँ डूब जाऊँ पता डूब जाऊँ। जी सवा में कैसा खुला है नशा सा नशा सा। इस नशे में आज तू बहक सा गया बहक सा। कब तक तू देगी ताले मुझे आज बता दे तू इतना मुझे। मस्ताना मौसम ये यूं ना गुजर जाए शादी करेगी नजर। तेरी बातों पे सदके जावा तू ही है मेरा दीवाना पिया। मेरे ही अंगना में लाएगा बारात तेरे लिए धड़के जिया। आजा तू बाहों में हाँ और ना मुझको तड़पा। जी सवा में कैसे खुला है नशा सा नशा सा। इस नशे में आज तू बहक सा गया हाँ बहक सा। करता हूँ आज इकरार मैं तेरा शाहजहां तू मेरी मुमताज। तेरी मोहब्बत में ताज महल जैसा दूसरा बनाऊंगा जरूर। ऐसा है तो सजनवा ये जो तुझ पे कुर्बा हाँ। तेरी इन बातों से दिल धड़क जाए बादल की खुशबू से नशा सा छा जाए नशा सा ओ, नशा सा जी सवा में कैसे खुला है नशा सा नशा सा। इस नशे में आज तो बहक सा गया हाँ बहक सा। मैं तो चाहूँ तेरे प्यार के नशे में डूब जाऊँ डूब जाऊँ बता डूब जाऊँ। इतना ना बहको साजन मेरे तुम शंकर। अरे क्या हुआ? अब होने के लिए बाकी क्या है देखो। जी करता है तुम दोनों को मार डालूं। अरे क्या हो गया रे? अरे वहाँ तुम दोनों पार्क में एक दूसरे के साथ चोंच लड़ा रहे थे ना और मुझे यहाँ इंजेक्शन के ऊपर इंजेक्शन इंजेक्शन के ऊपर इंजेक्शन मेरा दिमाग सड़ गया। ये क्या कह रहा है? हाथ में क्या वही वो इंजेक्शन। डैडी अरे ये साड़ी पहन ले पहन ले। अरे ये साड़ी तो मैंने पहनी हुई है। तुम उठो उठो लेटो तुम आओ ना इधर। बेटी लता अब तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ डैडी। डॉक्टर ने हमें सारी बातें बता दी हैं। क्या बताया? कहीं इंजेक्शन की बात तो नहीं बताई? ये इसकी आवाज मर्दानी कैसे वो हो गई? दरअसल वो अरे ये हॉस्पिटल है ना भैया, एक बीमारी जाती है तो दूसरी बीमारी आ जाती है। सही कहा डैडी। हाँ। गला थोड़ा खरखर हो रखा है। कोई बात नहीं बेटी, ठीक हो जाएगा। हम दोनों कल फिर आएंगे, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना बेटी। ठीक है डैडी। चलो भैया। तेरी तो अरे बाप रे, अरे बाप रे, मर गया।
ये सब तुम्हारे लिए और इंजेक्शन मेरे लिए। नहीं नहीं नहीं, तुम ही खाना, हम जरा घूम के आते। नहीं नहीं, अब ये साड़ी मुझसे पहनी नहीं जा रही है, एक काम करो तुम खुद बेड पे लेट जाओ। चलो बाप रे। अरे वो साड़ी तो दो, किसी ने देख लिया तो उठा के ले जाएगा। तुम्हारी साड़ी भी नहीं चाहिए, तुम्हारा बेड भी नहीं चाहिए। टाइम हो गया, जल्दी आना। बेटे भार्गव, नौकरी ज्वाइन करने से पहले अपने पिताजी को प्रणाम कर ले। बेटे भार्गव, आज तेरी नौकरी का शुभ दिन है बेटे, कम से कम इस माँ की खातिर पिताजी को प्रणाम कर ले बेटे। अरे जल्दी यार, राहुकाल शुरू हो जाएगा। माँ माँ माँ, क्या हुआ रे? पता नहीं क्या हो गया ना। माँ सुनो, देर मत करो, इन्हें अस्पताल ले चलते हैं। चलो। पेशेंट के साथ में यहाँ कौन है? मैं हूँ सर, वो मेरी माँ है। उनके गर्भाशय में फुंसी हो गई है, अगर फौरन उनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो कैंसर में बदल सकता है। तो फौरन उनको ऑपरेशन कीजिए ना। वेल, ऑपरेशन के लिए 20,000 रुपए खर्च होंगे, वो लाकर जमा करने होंगे। डॉक्टर, इतनी मोटी रकम देना तो दूर की बात है, मैंने और इसने आज तक देखी भी नहीं है, एकदम से इतने सारे पैसे लाना मुश्किल है डॉक्टर। तो यह ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन नहीं हुआ तो मर जाएंगे ना। वो जिए या मरे मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे चाहिए सिर्फ पैसे। सर, मुझे पढ़ाई में जो गोल्ड मेडल मिला था वो मेरे पास में सर, मैं उसे गिरवी रख के पैसे लेकर आता हूँ, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। तुम्हारे गोल्ड मेडल की बात मैं मानता हूँ, लेकिन तुम वापस आओगे इसका मैं कैसे यकीन करूँ? सर, मेरे पास ये अपॉइंटमेंट लेटर है, इस लेटर के बिना मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, इसे अपने पास रखिए और ऑपरेशन कीजिए। सॉरी, इसकी डुप्लीकेट कॉपी से भी तुम नौकरी ज्वाइन कर सकते हो ना। डॉक्टर, ये मेरी बीई की डिग्री है, इसे भी आप रखिए, लेकिन मेरी माँ की जिंदगी बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज। सॉरी मिस्टर। डॉक्टर, मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री से भी, यूनिवर्सिटी से जो गोल्ड मेडल मिला उससे भी, और मेरी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर से भी, बढ़कर आपके लिए क्या पैसा है? मरीज के प्राण से ज्यादा आपके लिए पैसे बहुत मायने रखते हैं ना। यस, आई एम हेल्पलेस। हॉस्पिटल राजशेखर जी का है, हर रोज का कलेक्शन उन्हें भेजा जाता है, उनकी शर्तों के सामने तुम्हारी बीई की डिग्री तो क्या मेरी एमबीबीएस की डिग्री मायने नहीं रखती। ये लीजिए डॉक्टर, आप लोगों का जमीर तो मर चुका है, कोई मरे या जिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये पैसे चाहिए ना, ले लीजिए। लता, ये क्या कर रही हो? तुम चिंता मत करो भार्गव, पहले इन पैसों से माँ जी की जिंदगी बचा लो, माँ जी को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज ये लीजिए डॉक्टर। ले लीजिए डॉक्टर, ये पैसे लेकर जल्दी ऑपरेशन कीजिए प्लीज। ओके भार्गव, माँ जी की देखभाल के लिए मैं और शंकर यहीं पे रहेंगे, तुम जल्दी जाके नौकरी ज्वाइन कर ले। हाँ यार, अगर तू वहाँ नहीं पहुँचा तो राजशेखर के लोग जबरदस्ती वो नौकरी ले लेंगे, तू जल्दी जाके ज्वाइन कर ले। सर, जॉइनिंग रिपोर्ट सर। वेरी गुड सर, मेरी माँ का अस्पताल में ऑपरेशन है, आप इजाजत दे तो। अच्छा, वहाँ तुम्हारी माँ का ऑपरेशन है और तुम यहाँ का कर रहे हो, जाओ जाओ जल्दी जाओ। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, अब बिना कुछ कहे जा रहे हैं। आप लाश को ले जा सकते हैं, इंतजार कीजिए। माँ जी को कुछ नहीं होगा, मैं संभालूंगा बोल के भार्गव को मैंने भेजा, अब जब वो आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। माँ, भार्गव, माँ जी के आखिरी समय में मैंने तुम्हें कहीं और भेज दिया, मुझे माफ कर दो। लता, बाप का साया तो बहुत पहले से उठ गया था, लेकिन आज हमारे ऊपर से माँ का साया भी उठ गया। भार्गव,
भैया उस नए इंजीनियर ने जो हमारी वाट लगाई है उससे तो आप उनका बिजनेस चौपट हो जाएगा। बाप रे, तू ये कैसी भाषा बोल रहा है? अमेरिका से आने के बाद तेरी भाषा ही बदल गई। हाँ, मेरे दोस्त मुंबई के थे। अच्छा ये बताइए, उस इंजीनियर को तोड़ने का कोई रास्ता निकाला कि नहीं? वो इतनी जल्दी झुकने वाला नहीं है। उसकी माँ मर गई है, वो भी हमारे अस्पताल में। अरे बाप रे। इसलिए वो जरूर कुछ ना कुछ करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तब तो उस इंजीनियर की बैटरी को ओवरचार्ज करना पड़ेगा। उसके ऊपर गुंडागर्दी के सारे फॉर्मूले इस्तेमाल करके उसके हाथों अपनी फाइल पे दस्तखत करवाएंगे। शंकर, माँ के स्वर्गवास होने के बाद अब तो हम लोग एकदम अनाथ बन के रह गए हैं। तूने भाई से बढ़कर मुझसे दोस्ती निभाई है। वो दोस्ती क्या जो दुख में काम ना आए। तू अपने माँ का शेर बेटा है, तुझे रोना नहीं चाहिए। जिस माँ ने मुझे इस संसार में जन्म दिया हो और जिसे जिंदगी भर में माँ कह के बुलाता रहा, उस माँ शब्द को मैं कैसे भूल पाऊंगा। वक्त सारे जख्म भर देता है, पहले उनकी अस्थियों का नदी में विसर्जन कर दे। चल। वर्ल्ड वार में विनाश कैसे हुआ? डॉक्टरों के आविष्कार के कारण, डॉक्टरों की लापरवाही के कारण। डॉक्टर, किसी भी मरीज का बुखार चेक करने के लिए तुम्हें थर्मामीटर दिया जाता है और किसी भी मरीज का शरीर का ऑपरेशन करने के लिए तुम्हें एनेस्थीसिया देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेरी माँ को तूने मारा ये बुलवाने के लिए मुझे ना थर्मामीटर चाहिए ना ही बेहोशी की दवा मुझे चाहिए। तेरे चेहरे का पसीना बता रहा है कि तूने मेरी माँ का खून किया है। जब मेरी माँ की लाश को यहाँ से ले जाया गया तब मुझे तुम पर शक नहीं हुआ, लेकिन चिता के जलने के बाद राख में मुझे ये तुम्हारी कैंची मिली। ये कैंची जानबूझकर पेट में छोड़ी गई ना, उन्हें जान से मारने के लिए। नो नो, यस, मुझे मत मारना प्लीज। क्यों? मौत को सामने देखकर डर लग रहा है? लोग तुम जैसे डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन तुम लोग उनके प्राणों से खेलते हो, तुम्हें मरना ही होगा। और इसीलिए तुमने जिस बेरहमी से मेरी भोली भाली माँ का कत्ल किया है, वैसे ही जब तक तुम्हें नहीं मारूंगा मेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। भगवान समझे जाने वाले ऐसे खूनी डॉक्टरों का खून कर देना चाहिए। मेरी माँ को जान से मारने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। अबे खूनी मैं नहीं हूँ, मरीजों की जान लेने वाला खूनी तू है। बेचारे मासूम मरीजों का खून करता है, तू खून करता है। इंस्पेक्टर, आरएस नर्सिंग होम में किसी ने डॉक्टर का खून करने की कोशिश की। यस सर, उसे अरेस्ट करके लाए हैं। उसे लेकर आओ। तुम्हारा नाम? भार्गव। तुम हो? उस दिन आपके भाई को बचाने के लिए मुझे सराहा था, आज मुजरिम बनाया है। यानी तुम खुद को बेगुनाह समझते हो? चीफ इंजीनियर को मारने वाले लोगों को मैंने मारा था और आज गलती करने वाले डॉक्टर को मारा है। अगर वो न्याय था तो ये भी न्याय है। ऑपरेशन होने के बाद अगर मरीज मर जाता है तो वो खून नहीं है। यानी इंसानों को मारने के लिए डॉक्टरों को लाइसेंस दिया गया है? जैसे लोगों को पीटने के लिए आपके पास लाइसेंस है, वैसे ही लोगों को मारने के लिए उनके पास लाइसेंस है। जज भले ही ना जाने कि दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, पर सजा देने का लाइसेंस है। Am I correct? You are talking something nonsense. हमारे देश के हर एक नागरिक को बोलने का अधिकार है, डियर पुलिस ऑफिसर। Of course, लेकिन बेकार की बातें बोलने का अधिकार नहीं है। अगर तुम मानते हो कि तुम्हारी माँ का डॉक्टर ने खून किया है तो उसका गवाह कौन है? मैं हूँ। बेटी, माफ कीजिएगा डीसीपी साहब, ये पुलिस स्टेशन है, मैं विटनेस हूँ, अब पुलिस ऑफिसर है, बस इतना ही। ऑल राइट, तो तुम कौन सी गवाही देना चाहती हो? गवाही बोलने की नहीं है, गवाही का सबूत है। ये देखिए कैंची,
इनकी माँ का जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था उसने कैंची पेट में छोड़ दी, देख लीजिए। इसी की वजह से उनकी जान गई। उनकी चिता जलने के बाद राख में से ये मिली, उसका गवाह मैं हूँ। अब आप ही बोलिए प्रताप राय जी, ऐसे खूनी डॉक्टर को मारने का अधिकार क्या हमारे पास में नहीं है? आप इस तरह खामोश क्यों होंगे? मुझे यहाँ किस दफा में गिरफ्तार किया जाए आप यही सोच रहे हैं ना? आपसे मैंने बहस की, इसलिए कानून के मुताबिक दफा 301 के तहत मुझे अरेस्ट कर सकते हैं आप, या फिर मैंने एक डॉक्टर का खून करने की कोशिश की उस जुर्म में 307 के तहत आप मुझे यहीं गिरफ्तार कर सकते हैं। इंस्पेक्टर। यस सर। भार्गव के FIR की फाइल लेकर आओ। ओके सर। मिस्टर भार्गव, यू कैन गो। थैंक यू दाऊजी। ये घर नहीं पुलिस स्टेशन है। आई एम सॉरी DCP साहब। थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम। उस लड़के को रिलीज करके तुमने बहुत अच्छा काम किया है भैया। क्योंकि वो राजशेखर। क्यों मुझे देखकर चौंक गए? आइए आइए, नमस्कार। तेरे घर की कॉफी मेरे लिए हराम है, शाबाश, अब तू मेरा छोटा भाई है। मुझे इज्जत ना मिलने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भानु प्रसाद, लेकिन जिस काम के लिए आया हूँ अगर वो नहीं हुआ तो तुम्हें तकलीफ जरूर होगी। शराफत से इस कागज पर साइन कर दो। क्या है ये? भार्गव का टर्मिनेशन लेटर। टर्मिनेशन क्यों? वो इसलिए कि उसने कानून को अपने हाथ में लेकर मेरे अस्पताल के एक डॉक्टर को बुरी तरह मारकर उसका खून करना चाहा। उस डॉक्टर की लापरवाही से उसकी माँ का खून हो गया, इसीलिए। तो उसके लिए क्या वो कानून हाथ में ले लेगा? शट अप। कानून का मुंह बंद करके अब मेरे भाई का मुंह बंद करना चाह रहे हो प्रताप राव जी? उस भार्गव पर कौन सी धारा लगाकर उसे बंद करना है तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता दूं। अगर ऐसे ही धारा लगा लगा कर हर एक आदमी को अंदर करते रहेंगे तो जेल के अंदर जाने वाले सबसे ज्यादा लोग तुम्हारे मंत्रिमंडल से ही होंगे। कहो, कर दूं क्या? जेल में भी VIP ट्रीटमेंट मिलता है। नवाबी शौक है, एक बार अंदर कर दिया तो जिंदगी भर बाहर नहीं निकलेगा। प्रताप राव। प्रताप राव नहीं, प्रताप राय। लगता है बाप बेटे को किसी का नाम याद नहीं रहता। उस इंजीनियर का खून आज भी मेरी नजरों में है और तुम मेरी नजरों में खटक रहे हो। अगर ऐसा ही चिल्लाओगे तो बहुत बुरा हाल होगा। ठीक है मैं भी देख लूंगा, चल रहे चल। हाँ चलिए। भार्गव, हम जा रहे हैं। ये क्या कह रहे हो? बचपन में बाप का साया सर से उठ गया, जब मैं बड़ा होकर कमाने लायक बना तो माँ का साया सर से उठ गया, अब मेरे सर से अपना हाथ भी उठाना चाहते हो? ठीक है, उठा लो, तुम भी जाओ। भार्गव, मैं ये नहीं जानता था कि हमारे लिए तुम्हारे मन में इतना सारा प्यार है। आज से मैं और पद्मा यहीं रहेंगे, तेरे पास ही, ठीक है ना? शुक्रिया शंकर। सुनो भैया, जिस यही की सीट पर तुम बैठे हो देखा जाए तो वह हमारी है। ये तो हमारी बदकिस्मती है जो तुम उस सीट पर बैठ गए। मैं उस कुर्सी पर नीति न्याय के साथ नौकरी करने के लिए बैठा हूँ मंत्री साहब। मैं भी नीति और न्याय के लिए ही अपनी मंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। लेकिन आप बैठेंगे 5 साल के लिए और मैं बैठा हूँ पूरे 37 सालों के लिए। हे, ये क्या तुम मेरी बैटरी को ओवरचार्ज कर रहा है? हेलो, मैं बैटरी नहीं हूँ, डायनामो हूँ, ऑटोमेटिक चार्जेबल। भैया, ये क्या आपके सामने मुझे ऐसा बोल रहा है? भैया, राजनीति आजकल गाड़ियों के टायर के बराबर हो रही है, बैटरी काबू में रखो। सुनो भैया, उम्र के साथ साथ ये मर्दानगी ढल जाती है। तुम्हारी उम्र में मैं भी इनकलाब जिंदाबाद बोल बोल के पूरे देश को हिलाया करता था, लेकिन आज देख लो पार्टियां बदलता फिर रहा हूँ। समझ गए, जो फुटपाथ पे थे वो गद्दी पे बैठ गए। तुम चाहे किसी पार्टी में रहो या किसी पार्टी से निकल जाओ, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पर ईमानदारी की नौकरी करने आया हूँ। मेरा एक एक मिनट लोगों की सेवा के लिए बहुत कीमती है, इसलिए मेरा टाइम खराब ना करके ये बताओ कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तुम सीधी तरह पूछना चाहते हो, इसलिए मैं भी सीधी तरह बताऊंगा। मेरे एरिए की कोई भी फाइल तुम्हारे टेबल पर आए तो बिना पूछे साइन कर देना। साइन के हिसाब से तुम्हें पैसा भी बहुत मिलेगा। भैया, अगर तुमने ऐसा काम नहीं किया तो ये गाँव छोड़ के जाना पड़ सकता है। ये गाँव ही नहीं, देश भी छोड़ना पड़ जाएगा। ये गीदड़ भपकियां किसी और को देना। मैंने सर उठाना सीखा है, सर झुकाना नहीं। सो, ना मैं कभी डरा हूँ ना ही डरूंगा, ये याद रखना, दैट्स ऑल। शाबाश, जैसा नाम है वैसे बातें करके भी जा रहा है। ये क्या हुआ, ऐसा बोल के जा रहा है और आपने उसे छोड़ दिया? ये अब आपका सोचना बिल्कुल बेकार है। अब आप ऊ कह दीजिए, मैं कालिदास को भेज के ठिकाने लगवा देता हूँ। बोल दिया ना। हाय कुश्ती के पहलवान, तुम में से भार्गव कौन है? तू है? अरे कालिदास, आप आइए आइए, अरे आइए ना, आइए, उसकी टेबल ये है, आप यहाँ आकर बैठिए ना।
बैठिए बैठिए, मुझे उससे इस फाइल पर साइन लेने हैं। ओए जमुरे, ले लीजिए गुरुदेव। वेरी गुड। कौन है बे तू? आज जमुरे। गुरुदेव ठीक है, मैं बताता हूँ, ये मेरे बॉस हैं और नाम है कालीदास। गले की प्यास बुझाने के लिए हमेशा ताड़ी पीते हैं और अगर गुस्सा आ जाए तो लोगों को मार के खून पीते हैं। हाँ। पहले उस कुर्सी से उठ। जम जमा के चम चमा के धन धना धन दे धना धन। मेरे लोंडे को मारता है, अगर ज्यादा चिल्लाए ना तो तुझे भी मारूंगा। पहली बार मिल रहा हूँ इसलिए सराफत से बोल रहा हूँ, इस फाइल पे अपने साइन कर दे। अगर तू अभी यहाँ से दफा नहीं हुआ ना तो इस फाइल पर तो नहीं, तेरे थोपड़े पे साइन कर दूंगा। ओए, ये गवर्नमेंट ऑफिस है इसलिए चुप हो, वरना मैं तुझे इसी जगह पर चीर के रख देता। ऑफिस है इस बात से डर रहा है तो बोल कहाँ आना है। बोल आज ही शाम को ठीक 5 बजे तेरे अड्डे पे, तेरे घर में, तेरे घर के कमरे में, कहाँ आना है बोल, वहाँ आकर तुझे मारूंगा। जम जमा के धन धना धन। शाम को 5 बजे पहाड़ी पे पहुंच जाओ, तब तुम्हें देखेंगे। जैसे ये मटकी टूट गई है ना वैसे ही इसका सर भी फूटेगा, चल जा यहाँ से। हेलो। हाय भार्गव। हाय। आज शाम 5 बजे हम लोग पार्क में मिलेंगे। सॉरी, अभी अभी एक गुंडे को अपॉइंटमेंट दिया है, आज शाम को 5 बजे पहाड़ी पर जाके उससे मुलाकात करनी है। जोक है? नहीं, ये सच है। मेरी बात सुन भार्गव, तेरा थोबड़ा देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा है। इस तरह से रावण का अंत हुआ था और जैसे अभिमन्यु फंस गया था वैसा मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अंत हो। सराफत से इस फाइल पे साइन करके पैसे उठा लो। जरूर साइन करूंगा, लेकिन फाइल पर नहीं, तेरे थोबड़े पर। अगर ऐसा बोलेगा तो मेरी बैटरी बुरी तरह चार्ज हो जाएगी। तेरी बैटरी कैसे डाउन होती है मैं जानता हूँ। अरे दास सुन, भैया से बोलना हमने इसे पकड़ लिया है और मैं इसे लेकर वहाँ पहुँच रहा हूँ। जा जल्दी जा। बताओ, भार्गव कहीं दिखाई नहीं दे रहा? यहीं पर उसने गुंडों को मारने के लिए कहा था। हाँ, उसने यहीं की बात की थी। क्या बात है, तुम हंस क्यों रही हो? इसे यहाँ कितनी मुश्किल से उठा के लाया हूँ पता है? मेरे भैया ने तुम्हें एक काम सौंपा है, अपनी खूबसूरती का इस पे जादू डाल के इसे अपने जाल में फंसने के लिए भैया ने कहा है। ला रे वो फाइल दे। ये देख, इसके साथ में प्यार का झूठा नाटक करके इस फाइल के हर पन्ने पर तुझे हस्ताक्षर करवाने होंगे।
चल रहे। बाहों में समाओ ना,
बुझा 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 बुझा। रुक जाओ, मैं कौन हूँ तुम जानते हो? बेहोशी टूटने पर जब अपने सामने मैंने तुम्हें देखा तभी समझ गया कि तुम कौन हो। ये रोजी अपनी एक अदा में अच्छे अच्छों को वश में कर लेती है, तुम जानते हो? ऑफ कोर्स, मैं जानता हूँ। यानी मेरे बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो, है ना? एक रात का मेरा रेट है 10,000 रुपए। एक रात का रेट बांधकर जिंदगी भर के लिए खुशियाँ बटोरना चाहती हो? इसमें मेरा क्या कसूर? इसमें कसूर तुम्हारा बिल्कुल नहीं है, ना ही इस देश का है, बस तुम्हारे जमीर का है। तुम्हें बस फक्र है अपनी सुंदरता पर नाज करने का। तुमने अपनी जिंदगी को एक पहेली बना दिया है। इस समाज को भूलकर, इस पेशे को अपनाकर तुम जिंदगी में चाहे कितनी भी दौलत कमा लो, वो मरने पर साथ नहीं जाएगी। जब तुम्हारी जवानी ढल जाएगी, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी, उस वक्त तुम्हें इसका एहसास होगा। तुम अपनी इस खूबसूरती के बलबूते पर मुझसे इस फाइल के ऊपर एक साइन भी नहीं करा पाई। इस तरह से और कब तक चलेगा? खर्चा पानी कम हो गया है, ऊपर से कोई जुगाड़ नहीं है, यहाँ तक कि मेरे दिल की बैटरी भी नहीं चार्ज हो पा रही है। बस यही समस्या है ना? तुम्हारी डिक्शनरी में जो प्लान नहीं है वैसा प्लान मैं तुम्हें बताऊं? बताओ भैया। उस तरह के अकड़ू इंसान को वश में लाने के लिए एक ही रास्ता तो बताइए ना। लोहा हमेशा लोहे को ही काटता। अरे वाह, क्या प्लान बताया भैया। भैया घर में कोई है क्या? आपको किससे मिलना है? हाय, ये भार्गव का घर है ना? भैया घर में नहीं है, क्या बात है? अरे काम बन गया यार, मैं तो बहुत घबरा रही था। भैया अंदर ले चल। ये सामान सब यहाँ क्यों? कुछ नहीं बहन जी, तुम इंटरटेनमेंट देखना चाहती हो ना, तो भार्गव ने, अरे तुम्हारे भैया ने मेरे हाथों ही सारा सामान भिजवाया है। फ्रिज, रेडियो, टीवी, VCR भेजा है। ए अंदर ले चलो ना। ये सब वो भेजेंगे, मुझे तो नहीं बताया। अरे ये क्या कह रही हो, ये कैसा थ्रिल है? भैया ये सारा सामान मेरे घर पहुंचा दो, मैं शाम को घर आऊंगा, ये सारा सामान देखकर मेरी बहन अचंभे में पड़ जाएगी। ऐसा तुम्हारे भैया नहीं बोला? भैया सामान रख दिया क्या? अरे बाप रे, सारा सामान आ गया ना। सुनिए बाप रे, यहाँ एक साइन कर दीजिए। किस लिए? अरे बाप रे, फिर से थ्रिल। सुनिए, जब से उसने नौकरी ज्वाइन की तभी से उसका सपना है कि अपने इस घर के हर एक कमरे में करंट से चलने वाली सारी चीजें आ जानी चाहिए, और करंट जाने पर भी चलनी चाहिए। इसमें भी एक थ्रिल है। अब अगर आप इस पे साइन नहीं करेंगी तो मेरा थ्रिल हो जाएगा, इसलिए साइन कर दीजिए। बाप रे, अब थ्रिल नहीं है। भैया चल रहे। अरे वाह, आजा, आजा, आजा। देखो पद्मा, ये अच्छी बात नहीं है, इसका रोजाना मेरी ऑटो में फ्री में आना। आपकी बात में मानूंगी क्या? घर फ्री, मील्स फ्री, और आज के दिन से एंटरटेनमेंट भी फ्री हो गया ना। एंटरटेनमेंट? ये क्या बोल रही हो? फिर से थ्रिल, कलर टीवी, VCR सब आपने भेजा ना? मैंने मैंने कुछ नहीं भेजा है। भैया मजाक मत कीजिए, चलिए ना। ये सब आपने नहीं भेजा है क्या? ये सब कौन लेकर आया? उस आदमी का नाम तो नहीं जानती, आपका नाम बोल के सब रखने को कहा मैंने। दिमाग खराब है क्या, जो अनजान आदमी से सब लिया? शंकर, इसमें जरूर किसी की चाल है, ये काम राजशेखर का ही होगा। मैंने साइन नहीं किया इसलिए सदानंद के साथ में उसने ऐसा काम किया है। मैं अभी आता हूँ। भैया आ जाओ, जल्दी आ जाओ। यही है भैया भार्गव, अब अपना काम देखिए। मिस्टर भार्गव, वी आर फ्रॉम एंटी करप्शन ब्यूरो। तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए VCR, कलर टीवी और फ्रिज रिश्वत में मांगा है, ऐसी इन्होंने रिपोर्ट की है। अरे बाप रे, भैया ये सारा सारा का सारा सामान मेरा ही है। नहीं, मेरी गैर हाजिरी में यहाँ पर आकर ये सदानंद खुद ये सामान छोड़कर गया है मुझ पे इल्जाम लगाने के लिए। भैया ये क्या कह रही है, मुझ पे बेकार इल्जाम लगा रहे हो? ये सारा का सारा सामान तुमने मुझे ही खरीद कर भेजने के लिए कहा था ना? भैया मुझे सिर्फ दो ही दो साइन करवाने थे इनसे, उसके लिए मुझसे रिश्वत मांगी गई। उसका प्रूफ क्या है? प्रूफ देखना है ना, ये देख लो भैया, ये जितना भी सामान है उन सबको खरीद कर पहुँचाने की मेरे पास रसीद है। मुझे किसी से रिश्वत लेने की जरूरत क्या पड़ गई है? इस बारे में मैं बताता हूँ, आपने सदानंद जी से रिश्वत लेने के लिए बात कही थी। सर, जब आप ऑफिस में इन्हें रिश्वत देने लगे थे,
मुझे पैसे नहीं चाहिए, सामान खरीद के मेरे घर पहुंचा दो। मेरी जो छोटी बहन है वो सामान देखकर बहुत खुश हो जाएगी। ऐसा काम तू ये क्या बोल रहा है? रुक जाओ रुक जाओ, आई स्टॉप इट, हमारे काम में रुकावट डालते हो। चलो पुलिस स्टेशन। सर हमारा भार्गव ऐसे नहीं कर सकता सर, ही इज ए गोल्ड मेडलिस्ट, ईमानदार है, ऐसा करना तो दूर ही है, ऐसा सोच भी नहीं सकता है। सॉरी मिस्टर, इसने किया है या नहीं किया ये कोर्ट फैसला करेगी। इंस्पेक्टर इसे अरेस्ट करो, कम ऑन। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भैया को अरेस्ट मत कीजिए। उस रसीद के ऊपर साइन किए थे मैंने, मुझे अरेस्ट कीजिए। सॉरी मैडम, कम ऑन। इंस्पेक्टर साहब। मुलजिम भार्गव ने एक कॉन्ट्रैक्ट पास करने के लिए श्री सदानंद जी से रिश्वत मांगी, वो भी वस्तुओं के आधार पर। ये गवाहों के बयान से साबित हो चुका है, इसलिए मुलजिम भार्गव को मुजरिम करार देते हुए 3 महीनों की कड़ी सजा का ये अदालत हुक्म देती है। दरअसल इन सब का कारण मैं खुद हूँ, मैं ही हूँ। ये तो क्या बोल रहा है? हाँ भार्गव, ये चिट्ठियाँ तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माँ को लिखी है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे पिताजी इसी जेल में हैं। इसी जेल में? यस, ठाकुर इसी जेल में सजा काट रहे हैं। वो है, ये तो मैं भी जानता हूँ। नंबर क्या है? 747। तुम्हारे ही लिखे हुए खत देखकर आश्चर्य हो रहा है। तुम्हारे इन लिखे खतों को पाया तुम्हारी पत्नी ने, यानी मेरी माँ ने। यानी तुम भार्गव हो, तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हारा बेटा हूँ ऐसा मैंने नहीं कहा, उन्हें अपनी माँ कहा, बस इतना ही। जिस दिन से मैं इस जेल में आया हूँ उसी दिन से बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ, और आज तुम्हें भी इसी जेल में आना पड़ा। हाँ आया हूँ, लेकिन क्यों? तुमसे बदला लेने के लिए। मतलब तू? किसी का खून करके नहीं आया हूँ, मैं जानबूझकर तुमसे मिलने के लिए इस जेल में आया हूँ। तुम्हारे गुनाहों की आग में जल जल कर मेरी माँ ने खून के आंसू बहाए हैं। मैंने कई बार उनसे पूछना चाहा, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। अपनी सारी बातें मन में रखकर, तुम्हारे सारे गुनाहों को छुपाकर उस बेचारी ने दम तोड़ दिया। पार्वती, तभी से मैं सोच रहा था कि जिसने मेरी माँ को धोखा दिया उस आदमी को जान से मारने का मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन मिल गया। मेरे इस जेल में रहने पर एक ना एक दिन मेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी, तुमसे मिलने पर नहीं, तुम्हें मारने के बाद। बेटी लता, उसे सजा दिलाकर मुझे सांत्वना देने के लिए आए हो? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अब जाइए। देखो बेटी, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है, वरना उसके साथ मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है बेटी। पुलिस वाले हो ना, मेरे आंसुओं का जवाब थोड़ी ना दे पाओगे। बेटी, मैं तुम्हारी खुशी के लिए चेकबुक साइन करके दे देता हूँ, तुम कुछ दिनों के लिए हिल स्टेशन जाकर आ जाओ। डैडी, मैं आपकी आंखों का तारा हूँ, आप तो ऐसा बोलते थे ना, फिर भी आप मुझे भेजना चाहते हैं? हाँ बेटी, तुम्हें मैं अपनी आंखों से कभी दूर नहीं होने देता हूँ, लेकिन बेटी तुम्हारी आंखों में आंसू देख कर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए उसे जेल भेज दिया गया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? भार्गव को सजा मिलने से मैं इतनी दुखी नहीं हूँ डैडी, कल जब वो जेल से छूटेगा तो सबके सब लोग उसे धुतकारेंगे, तब ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? देखो बेटी, अगर तुम ऐसा मानती हो तो उसके जेल से छूटने के बाद समाज में वो सर उठाकर ये इस तरह से तुम खुद उसका नाम रोशन करोगी। वो कैसे? चीफ इंजीनियर का दामाद बनाकर। डैडी। हाँ बेटी। थैंक यू डैडी। निशाना चूक गया, मार दो बेटे, चीर दो मेरा ये दिल, तुम्हारे हाथों से मरकर इस दर्द भरी दुनिया से मुझे मुक्ति मिल जाएगी बेटे। किस सोच में पड़ गए बेटे? अगर इसी तरह सोचते रहोगे तो तुम्हारे अंदर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तुम मेरी जान लेना चाहते हो ना, उसके लिए सोचो मत।
जिस बाप ने तुम्हारी माँ के साथ धोखा किया है उस बाप का मर जाना ही एकमात्र रास्ता है। मुझे मार दो, ऊपर जाकर मैं तुम्हारी माँ से मिलूंगा, लेकिन मेरा खून करने से पहले एक बार मेरी अंतरात्मा की आवाज सुन लो। यानी तुमने कोई गुनाह नहीं किया ऐसा मुझे विश्वास दिलाना चाहते हो? नहीं, जिस संस्था का मैं प्रधान था, जहां मेरे लिए लोग अपनी जान देने के लिए तैयार थे, वहां मेरे साथ में क्या हुआ, मेरी ईमानदारी के बदले उन लोगों ने मुझे किस तरह का इनाम दिया, ये तुझे बताना चाहता हूँ। पिता की हैसियत से नहीं, तुम्हारे सामने इस समय जो ये आदमी खड़ा है वो एक जमाने में गरीबों का मसीहा कहलाता था, पर मेरी बदकिस्मती बेटे, मेरी मौत तुम्हारे भविष्य की मार्गदर्शन होगी। मैं खुशी खुशी तुम्हारे हाथों मरूंगा। भार्गव, जब तुम बहुत छोटे थे, हम जहां रहते थे वहां की झोपड़ियों को खाली कराना चाहता था एमपी राजशेखर। वहां की झोपड़पट्टी का मैं प्रधान था, इसलिए मुझे उसने अपने घर बुलाया। उस झोपड़पट्टी के तुम ही लीडर हो? मैं उनका लीडर नहीं हूं, झोपड़ियों में रहने वालों का प्रधान हूं। तुम्हारी क्या कीमत है और तुम्हारे लोगों की क्या कीमत है? इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे पैसों के बलबूते खरीद ले। तू क्या चीज है? मैं भी एक ठाकुर हूँ, ये लट उठाना मैं भी जानता हूँ। क्या कहा तूने? तुम्हारे जैसा चाहे कोई भी लीडर आ जाए, मैं उस झोपड़पट्टी को खाली करवा कर ही रहूंगा और अस्पताल बनवा कर ही रहूंगा। चुप कर, सूरज को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश मत कर राजशेखर, हमारी उस जमीन में से तू एक फुट भी नहीं ले पाएगा, याद रखना। ये बहुत तो चल रहा है। अरे भैया, ये जनार्दन, ये सब क्या है? ये सामान लॉरी में क्यों चढ़ा रहे हो? बात ये है राजशेखर साहब, हर एक आदमी का घर खाली करने के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं। 1000 रुपए में क्या होता है? क्यों, सही कहा ना? सही कहा। बेटी रोजा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ अंदर से सामान लेकर आ जाओ। जनार्दन रुको, तुम हमारे हीरो जरूर हो, लेकिन तुम्हारे हीरोपन से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। अरे मैंने तुम्हारे फायदे का ही काम किया है, हरे को 5000 रुपया देगा ऐसा राजशेखर ने मुझसे कहा है। अच्छा, ए लारी में जितना सामान चढ़ाया सब नीचे उतारो, जब तक 5000 नहीं मिलेंगे कोई खाली नहीं करेगा। सुनिए, सच में वो राजशेखर 5000 देने के लिए मान गया है? नहीं पार्वती, मैंने उन लोगों से झूठ बोला है। झूठ बोला? हाँ, पैसों के लालच में ही वो लोग घर खाली कर पाएंगे, नहीं तो राजशेखर बहुत कमीना इंसान है, बिना पैसों के खाली कराएगा। क्या कहा, 5000 नहीं देंगे तो जगह खाली नहीं करोगे? जी हाँ, अब 10000 देंगे तो खाली करेंगे। तूने पहले क्यों नहीं बताया? तुम कोई खेल ना खेलो, इसीलिए तुम 5000 दोगे ऐसा मैंने उन लोगों से बोला है, अब बोलूंगा तुमने 10000 देने को बोला। 10? इसके टुकड़े करके नदी में फेंक दो। अरे बेकार में केस बस क्यों, इसे बोरे में बंद करके मालगाड़ी में ले जाके डाल दो, जब तक ये लौट कर आएगा उस जगह हमारा अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। क्यों रे जनार्दन, सामान गाड़ी में नहीं चढ़ाए क्या? जब पैसे नहीं देंगे तो सामान कहाँ से चढ़ेगा? पैसे ठाकुर के हाथ भेजे थे ना, तुम्हें नहीं मिले? ठाकुर का? क्यों रे दास? हाँ सही कहा, ठाकुर को पैसे दिए थे तुम सबको बांटने के लिए। लेकिन ठाकुर तो यहाँ सुबह से नजर ही नहीं आ रहा है। सुबह का गया हुआ अभी तक नहीं आया, सुबह मेरे घर से पैसे लेकर निकला हुआ ठाकुर अभी तक यहाँ नहीं आया। लगता सारे पैसे लेके भाग गया होगा। ये झूठ है, मेरे पति पैसों के लिए ऐसा गिरा हुआ काम नहीं करेंगे। राजशेखर, एक मंत्री होकर ऐसी गिरी हुई बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन चोर है कौन चोर नहीं है ये अभी पता चल जाएगा। ए दास, जाओ ठाकुर के घर की तलाशी लो। तुम्हारा ठाकुर क्या चीज है? लगता है इन पैसों के साथ आज ही गिरा तो भाग जाने वाला था। ऐसे इंसान पर भरोसा रखोगे तो तुम कुत्तों की तरह जियोगे। ये लो जनार्दन, ये पैसे यहाँ के घरों में तुम ही बांट दो। ठीक है साहब जी। तो अब चोर के परिवार के साथ क्या किया जाए? अब क्या करना है, उस घर को आग लगा दो, इन दोनों को गाँव से बाहर निकाल नहीं, दो। नहीं, ऐसा मत करो, ये तो अत्याचार है। ऐसा मत करो। अरे,
मुझे बेहोश करके उन लोगों ने एक जगह पर ले जाकर डाल दिया। वहां से बचकर मैं अपने लोगों से मिलने के लिए गया, लेकिन तब तक सब खत्म हो गया। राजशेखर ने वो जगह खाली करवा दी। जनार्दन कहाँ है ये जानकर मैं उसे मिलने के लिए गया। साहब जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ जनार्दन, तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ आराम से रहो, ये यहाँ मेरा गेस्ट हाउस है। झोपड़ा खाली करने के बाद आपने मुझ पर कितनी बड़ी मेहरबानी की है साहब जी। राजशेखर, मेरी बीवी और बच्चा कहाँ है? अगर जिंदा हुए तो कहीं पे भीख मांग रहे होंगे, और अगर मर गए होंगे तो लावारिसों की तरह कहीं सड़े पड़े। तू राजनेता क्या बन गया? लोगों के साथ, मेरे बीवी बच्चों के साथ अन्याय करेगा? अगर तू जिंदा रहा तो न जाने और कितने लोगों का नाश करेगा। इसलिए तुझे जान से मार दूंगा। इस तरह से मुझे खूनी बनाया, उस चाकू से काश राजशेखर मर गया होता तो आज मैं खुशी खुशी खूनी बनकर फांसी की सजा स्वीकार लेता। लेकिन मेरे हाथों जनार्दन मारा गया और उसकी बच्ची अनाथ हो गई। पिताजी, बेटे, पिताजी। ठाकुर और भार्गव दोनों बाप हैं। इतना ही नहीं, उस रोजी के बाप की मौत का कारण आप ही है, और उसमें ठाकुर को फंसाकर आपने जेल भिजवाया। ये सब अपने बेटे को बता दिया, जेल से मुझे इन्फॉर्मेशन मिले। भैया, लगता है हम दोनों की बैटरी डाउन होने वाली है। निगेटिव पॉजिटिव अगर दोनों मिल गए तो मैं उन दोनों को अलग कर दूंगा, उस निगेटिव को पॉजिटिव से दूर कर दूंगा। दास, अरे मैं समझ गया। कालिदास के आदमियों को तूने जेल भिजवाया है ना? अच्छा हुआ आज तू हमारे सामने आ गया। हम तेरी समाधि आज इसी जेल में बनाएंगे। तो देख क्या रहे हो, कोशिश करके देख लो। भार्गव, जनार्दन मेरे हाथों से मारा गया, मेरी वजह से उसकी बच्ची अनाथ हो गई। उसकी बच्ची कहाँ है पता लगाकर, उसे सारी बातें बताकर उसको सहारा देगा, ऐसा मुझे वचन दे बेटे। ठीक है पिताजी। बेटे, पिताजी, पिताजी, आंसू बहा रहे हैं सर। पहुंच लीजिए सर, पुलिस की आंखों से आंसू शोभा नहीं देते हैं। कुछ ही दिन पहले इसी शमशान घाट में मैंने अपनी माँ का दाह संस्कार किया था सर, और आज यहीं पर पिताजी का दाह संस्कार कराऊं, दोनों का बेरहमी से खून हुआ है। ये अन्याय दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन आज मैं मुक्त हो गया हूँ, जीते जी अनाथ बन गया हूँ। मगर मिस्टर DCP, ईमानदारी से जीने वाला ये भार्गव जेल में जाने के बाद खूंखार भार्गव बन गया है।
जैसे क्षत्रियों का संहार करने के लिए पूरे संसार का भ्रमण किया था परशुराम ने। नहीं मिस्टर भार्गव, माँ बाप को खोने का जो दुख होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पर आवेश में कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। ये किताबी बातें हैं। अन्यायिक रूप से जिनकी बलि चढ़ गई उनका वारिस हूं मैं, और अन्याय करने वाले लोगों की सहायता करके उन्हें बचाने वाले रक्षक आप हैं। मैं संस्कारों के बंधन में हूँ, आप कानून के बंधन में हैं। मेहरबानी करके आप मेरे मकसद में बाधा मत डालिएगा। भार्गव के केस का क्या हुआ? क्यों क्या हुआ, इतनी दिलचस्पी? क्या मैं बोल नहीं सकती? इसमें बोलने की क्या जरूरत है? तुझे हर महीने वैसे भी मैं 10,000 रुपए देता आ रहा हूँ ना, जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ मैं तुम्हें भेज दूंगा। वैसे मैंने तो आज तक नहीं छुआ ना। अगर मुझे छूओगे भी तो जल के भस्म नहीं हो जाओगे? मान लिया ना, बेटी की तरह ही पाला है। सगी बेटी होती तो भी ऐसा करवाते। जूली! क्यों, खून खोल गया? पराए मर्दों के साथ सोने के लिए मेरा इस्तेमाल करते हो? आज अगर मेरे माता पिता भी जिंदा होते तो मैं इस दलदल में कभी न फंसती, लेकिन तुमने मुझे VIP लोगों का खिलौना बना दिया है। सही कहा ना? ये क्या जो मन में आए बोले जा रही हो? उस दिन मेरे घर में तुम्हारे बाप का खून हुआ था, इसीलिए तुम पे तरस खा के पाला पोसा, नहीं तो क्या होता? अच्छा होता कि मैं भी उस दिन मर जाती। अच्छा, दिन ब दिन तुम्हें तो बहुत बदलाव आने लगे हैं। प्यार व्यार का चक्कर है क्या, या किसी और पार्टी के जाल में फंस गई हो? किसी ने मेरी आँखों का पर्दा हटा दिया है। और उस महान आदमी का नाम भार्गव है ना? जी हाँ, एक बेकसूर इंसान को जेल भिजवा दिया गया। पागलों सी बातें मत करो, मेरा नाम कोई राजा राजेंद्र नहीं है जो तेरी ऐसी बातों में फंस जाऊं। क्यों रे, तुझे मैंने उस पे नजर रखने के लिए बोला था ना, वो भार्गव के जाल में फंस गई है, मुझे बताया क्यों नहीं? तुझे तो हेलो, मैं हूँ बेटी। क्या हुआ ताऊ जी? एक गुड न्यूज है, भार्गव आज जेल से छूट रहा है। मुझको हुआ क्या है सनम, तेरे प्यार में मैं जलता रहा। सजनी ऐसी मिली, जीवन की काली खिली, ये आसमां ये जमीन मिल गए। उड़ते हैं आकाश में तेरे मेरे प्यार की उड़ान में, आकाश छोटा पड़ा। प्यार की कश्ती को साजन दो, इसको पार लगाएंगे। चाहे कोई आ जाए तूफान, मुझको हुआ क्या है सनम, तेरे प्यार में मैं जलती। Thank you.
मेरे सीने में तूने लगाई है आग। आजा बुझा लू मैं उसको जाने मन, बाहों में मेरी तू आ। साथी अब तो सातों जन्मों का है, एक जन्म में ये प्यास ना बुझेगी, आजा करे इकरार मुझको तो है इकरार। आजा कर ले थोड़ा प्यार, अब तो ये मुझको हुआ क्या है सजन, तेरे प्यार में मैं जलती रही। हे सजनी ऐसी मिली जीवन की काली खिली, ये आसमान जमीन मिल गई। वेलकम मिस्टर प्रताप राय, मुझे मेरे जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन? ऑफ कोर्स, जेल में जाने से पहले आज के दिन मेरा जन्मदिन नहीं था, लेकिन जेल की सजा काटने के बाद इस भार्गव के लिए आज का दिन नया जन्म कहलाएगा। मिस्टर भार्गव, कोई निर्दोष व्यक्ति जेल की सजा काट कर जब बाहर आता है तब उसकी मानसिक हालत क्या होती है ये एक पुलिस अफसर अच्छी तरह जानता है। आपके मन में जो आए आप समझिए, लेकिन आज से मेरा मकसद सिर्फ एक ही रहेगा, इंतकाम। सर, गुड मॉर्निंग सर। आज हमारा भार्गव छूटने वाला है ना? भार्गव जेल से छूट भी गया और चला भी गया। ताऊ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? भार्गव छूट के चला गया? कहाँ गया सर? वो बहुत गुस्से में था और गुस्से में इंसान किस ओर जाता है पता नहीं चलता। अरे जल्दी निकलना। अरे वो जेल से छूट के आएगा तो आपको जान से मार डालेगा। मेरे भाई की नौकरी उसने छीन ली है, अब अपने आप को संभाल लो। अरे जल्दी से निकल ले, वो कभी भी यहाँ आके टपक सकता है। चल जल्दी गाड़ी में बैठ। क्यों दे रही हो, बैठ रही हो? जब पूरा मामला ठंडा पड़ जाएगा तब मैं तुझे खुद बुला लूंगा, तब तक तू वहीं रही हो। अबे अपनी मालकिन को संभाल के ले जाना, उसकी नजरों में ना पड़े। जल्दी निकल, अपना ख्याल रखना। क्यों, सब लोगों को भेज दिया ना? हाँ सबको भेज दिया। आगल कहीं के, अब मैं तुझे मारूंगा तो कोई गवाह भी नहीं बचेगा, तूने सबको भेज दिया। मुझे मार दोगे? बाप रे, तू दुनिया में भले ही किसी के हाथों से बच जाए लेकिन मेरे हाथों से तेरा बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तेरा यमराज तो मैं खुद हूँ। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे माफ कर दो। माफ कर दूंगा, अगर तुझे मार मार के थक गया तो माफ कर दूंगा। यही फ्रिज है ना जो तेरे पास से मुझे रिश्वत में मिला था? यही VCR और TV है ना जो तूने मुझे रिश्वत में दिया था? यही फैन है ना जो मैंने तुझसे रिश्वत में मांगा था? DCP को फोन करके बता कि मैंने तुझे मारा है। नहीं, नहीं, नहीं। जो बोलता हूँ वो कर। हाँ कर रही हूँ। हेलो भैया, नमस्कार DCP साहब, मैं सदानंद बात कर रही हूँ। ये भार्गव मेरे घर में घुस आया है, मुझे मार मार के कचूमर बना रहा है। शट अप, पहले भी इस तरह झूठ बोलकर तुमने से जेल भिजवा दिया, आइंदा भूल सभी कभी झूठ मत बोलना। क्या कहा? उन्हें विश्वास नहीं हो रही है। करे कहा? मैं अब तुझे रोजाना मारूंगा, कोई यकीन नहीं करेगा। अरे बाप रे, रोजाना? हाँ। तिजोरी खोल। ये फ्रिज, TV, VCR, फैन, उसके लिए तुम मुझे पैसे दे रहे हो, ठीक है? और ये तुमने खुद मेरे घर पर आकर मुझे मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे दिए हैं, ठीक है? भैया, दामाद जी के लिए, तुम्हारी बहन के लिए कुछ नहीं खरीदोगे? अच्छा? जिसके ऊपर तुमने झूठा आरोप लगाकर केस किया था उसकी बेटी के लिए डायमंड नेकलेस के लिए ये पैसे हैं। क्यों, झटका कैसा लगा?
जोर का झटका बहुत धीरे से लगाए भैये। चलता हूँ भैया। ये तो एक ही झटके में सारा माल ले गया भैया। भैया कहाँ हैं? पता नहीं, मेरे साथ तो नहीं आया। आपके साथ नहीं आए? वो जेल से तो छूट गए ना? आ गया हूँ। मैं सिर्फ जेल से छुटा ही नहीं हूँ, जिस कानून की आंखें बंद रहती हैं, हाथ बंधे हुए होते हैं, अब मैं उसे भी आजाद करूंगा। ये सामान मैंने रिश्वत से लिया है, ऐसा बोलकर मुझे मेरे ही घर में हथकड़ियां पहनाई गईं। और अब ये सारा सामान छीन कर लाया हूँ। ना ही ये रिश्वत से लिया है और ना ही मुझसे कोई पूछेगा कि कहाँ से आया है। तुझसे पूछने वाला मैं अभी जिंदा हूँ। तू जो ये सामान लेकर आया है, इन्हें मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। तू आज भी वही भोला शंकर ही है। आज तक तूने ऑटो चलाकर अपनी पत्नी के लिए एक छोटा सा सोने का जेवर खरीद के दिया है, बता? और मुझे देख, आज जैसे ही मैं जेल से बाहर निकल कर आया, अपनी छोटी बहन के लिए डायमंड का नेकलेस खरीद कर लेकर आया हूँ। और ये मैं किसी रिश्वत में नहीं लाया हूँ, खरीदा है। भैया, ये सब कहाँ से आया? सच्चाई क्या है मैं बता नहीं सकता, और अगर मैंने झूठ बोला? क्यों झूठ बोला? तो बोलिए ना, झूठ बोलने से तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं जेल में सजा काट कर आया हूँ ना, एक्सपीरियंस हो गया है। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो, उससे पहले तुम्हें सही राह पे लाना होगा। चलो। लता, ये क्या कर रही हो? नहीं चलोगे तो मेरी कसम, अब चलो। हेलो, आओ भार्गव, बैठो। सिट डाउन। मुझे आपने यहाँ क्यों बुलाया? नौकरी के लिए एक बार तुम्हारा इंटरव्यू लिया था, आज एक और इंटरव्यू के लिए बुलाया है। मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा, ऐसा फैसला कर चुका हूँ। ये इंटरव्यू किसी नौकरी के लिए नहीं है भार्गव, तुम्हारी आगे की जिंदगी के लिए है। यानी? मेरे भाई की बेटी लता से तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, भाई ने इसीलिए बुलाया। इस शादी से मैं अभी सहमत नहीं हूँ। भार्गव, भार्गव, एक बार फिर सोच लो। मैं सोच समझ कर बोल रहा हूँ, आवेश में नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक बार जो फैसला ले लेता हूँ, उस फैसले से कभी मुकरता नहीं हूँ। भार्गव, तुमने जो ये फैसला लिया है, उससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जानते हो? अच्छी तरह जानता हूँ भार्गव। हाँ सर, लता के पिताजी एक बड़े उद्योगपति हैं और मैं जेल में रहकर आया हूँ। लता के ताऊजी मुझे अदालत से जेल लेकर गए। जिन हाथों से मुझे हथकड़ी पहनाई, उन्हीं हाथों से आप यहाँ कन्यादान करेंगे? मतलब मुझसे जो अनजाने में गलती हुई है, उसके बदले इसकी जिंदगी नाश करोगे? जी नहीं, मैं किसी की जिंदगी नाश करना नहीं चाहता। जो कुछ भी होगा वो मेरे साथ ही होगा। लता को मैं इन सबसे दूर रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने जो इस तरह का ये फैसला लिया है, वो लता के बारे में सोच कर ही लिया है। तुम्हारा ऐसा कहने का मतलब क्या है? तुम किसी दूसरे से शादी कर लो। किसी दूसरे से मैं शादी कर लूं? कितनी अजीब बात है ना भार्गव, तुम ये बात मुझसे कह रहे हो? अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहेगी, और अगर तुमने शादी किसी और लड़के के साथ कर ली तो मेरा भी जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो तुम्हारा मकसद क्या है? इस समाज ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा है, जीते जी मैं अनाथ बन गया हूँ, और इसीलिए मैंने अपना एक मकसद बना लिया है। मेरे माता पिता और मेरे भविष्य का नाश करने वाले उस राजशेखर से मुझे बदला लेना है। बदला लेने से क्या होगा? शादी करने से क्या होगा? बेबी, घर बार, बच्चे और जिंदगी जो खुशहाल बन जाएगी। अगर ये सच है तो आपने शादी क्यों नहीं की? सर मत झुकाइए, सर झुकाने से समस्या का हल नहीं निकलेगा डीसीपी साहब। शादी करने से माना की जिंदगी खुशहाल बनती है, मगर बदला लेने पर मन को शांति मिलती है। मिस्टर भार्गव, राजशेखर मर जाएगा तो उसके परिवार का नाश हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसे समाज का नाश हो जाएगा। हमारे देश को आज तुम जैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए मना मत करो। इस वक्त मेरे लिए देश से ज्यादा पिता की आत्मा की शांति जरूरी है, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। ये आखिरी फैसला है? मेरा ये फैसला बिल्कुल अटल है। रो मत बेटी, चुप हो जाओ। इस वक्त वो किसी का कहना नहीं मानेगा, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा खुद आ जाएगा। रो नहीं। नौ, जब इंसान बहुत खुश होता है तो संगीत के बिना नाच नहीं होता है, और जब मुखड़ा तैयार हो तो अंतरा खुद बन जाता है। तुम मेरे लिए फिर से आ गए हो? तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं किस्मत वाला हूँ। आज तो खुशी के मारे मैं झूम रहा हूँ, आज मैं सारे बंधन तोड़ कर आया हूँ। मेरे लिए बंधन तोड़ने की जरूरत नहीं। नो,
तुम ऐसी बातें मत करो मत करो। आज हम दोनों नाचेंगे भी और गाएंगे भी। चलो कम ऑन डांस आई से। अरे आ जा वो सजनी प्यार की कर ले आज हम दोनों शुरुआत। आ जा वो सजनी प्यार की कर ले आज हम दोनों शुरुआत। तू बादल मैं पानी सुन मेरे दिल जानी अख्तर साना पास तो आ जा बाहों में समा। मुझको तो लगती है शोला सा हो ओ मेरे प्यार सजना मेरे बाहों में मुझे आग बुझा दिल की जलन। ओ मेरी सजनी पास आ तू मेरे ले लूं तुझको बाहों में बुझ जाए दिल की प्यास। आ जाओ साजन प्यार की कर ले आज हम दोनों शुरुआत। अरे रे आ जा वो सजनी प्यार की कर ले आज हम दोनों सागर में गोता लगा ले आज कोई गीत तू गुनगुना। संगीत के सागर में मैं तो पड़ी हूँ आ जाए सांसों में संगीत जगा। सोच ले सजनी सोच ले फिर ना करना मेरे प्यार से इनकार। तू मेरे साजन संभाल मेरे संग झूम लो आज मौका निकल गया तो लौट के फिर कब आए। अरे आ जा वो सजनी प्यार की कर ले आज हम दोनों शुरुआत। साना पास तो आ जा बाहों में समा। आ जाओ साजन प्यार की कर ले आज हम दोनों शुरुआत। भार्गव ये सब क्या है? रोजी डार्लिंग सुबह सुबह मेरी बाहों में
ये सब अच्छा नहीं है, कम ऑन। छोड़ो मुझे। भार्गव, तुमने ऐसा काम करके बेकार में मुझे गुस्सा दिला दिया। आइंदा मेरे साथ ऐसा मत करना। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ, अब तुम जाओ। राजशेखर जैसे आदमी को जान से मारना इतना आसान नहीं, फिर भी उस काम के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राजशेखर से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? उस नीच कमीने की वजह से ही मेरे पिताजी की मौत हुई है। तुम्हारे पिता का नाम? जनार्दन जॉनी। रोजी, राजशेखर ने तुम्हारे पिताजी की मौत की सजा जिस आदमी को दिलवाई थी, वो आदमी मेरे पिताजी थे। हाँ रोजी, उन्होंने जेल जाने से पहले तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम उन्हें कहीं नहीं मिली। मुझे ढूंढा? हाँ। अब उससे क्या फायदा, मैं तो अब कहीं की भी नहीं रह पाई। मेरी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है। मैं राजशेखर से इंतकाम लेना चाहती हूँ, ये काम तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। तो ये काम करके तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति पहुँचाएंगे। आदमी आया करते हैं, लड़कियां कभी नहीं आती। खैर बताओ, तुम कौन हो? मैं यहाँ नाच देखने के लिए नहीं आई हूँ, ना ही मौज मस्ती के लिए आई हूँ। मुझे मशवरा देने के लिए आई हो, तुम कवियत्री हो? मैं कौन हूँ ये सब छोड़ो, तुम्हें सलाह देकर समझाने के लिए मैं आई हूँ। मैं हमेशा अपने उसूलों पर चला करती हूँ, मुझे किसी के सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे माथे पे कोई तीसरी आँख नहीं निकली हुई है। भले ही मेरे माथे पे तीसरी आंख नहीं है, इसके बावजूद मेरी खूबसूरती के सामने लोग मेरे कदमों में होते हैं। तो खुद को लड़की समझती है या कुछ और समझती है? तबले की थाप पे नाचती हूँ, सुरों के साथ गाती हूँ और लोगों का दिल बहलाती हूँ। तुम्हारे पास जो भी आता है उसके साथ ऐसा करती हो क्यों? मैंने सोचा तुम कवित्री होगी, पर तुम तो शूर्पणखा निकली। नहीं, राम के साथ प्रेम करने वाली सीता हूँ मैं, काम वासना की आग में जलने वाली शूर्पणखा है तू। मेरे ऊपर इतना गुस्सा दिखा रही हो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? प्यार और शादी का अगर तुम मतलब जानती होती तो खुद जान जाती कि तूने मेरे साथ क्या किया है। प्यार? प्यार को पाने के लिए मैं रोजाना कोशिश करती हूँ पर विफल हो जाती हूँ। रही बात शादी की, मैं तो वो शब्द भी भूल चुकी हूँ। मैं तो इस समय ऐसे मोड़ पर हूँ जैसे कोई कटी पतंग हो, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ प्यार दिया जाता है पाया नहीं जाता। तुम्हारी आगोश में जो आदमी आते हैं उनकी पत्नियों के आंसू कभी तुमने देखे हैं? तुम भार्गव की पत्नी हो? उस सौभाग्य से तूने मुझे दूर कर दिया। मेरी बात सुनिए, पत्नी का पति पर अधिकार होता है, लेकिन जो अभी तुम्हारा पति नहीं हुआ उस पर अधिकार कैसा? शट अप! गुस्सा बहुत करती हो। अभी तो तुम्हारी शादी होनी है, उसके बाद तुम अपना अधिकार जमाना। तुम जो मेरे पास आई हुई हो, लेकिन मैंने तो तुम्हारा प्यार नहीं छीना। नाचने वाली के मन में प्यार नहीं होता है, उसे तो बस गजरा चाहिए, नोटों की गड्डी चाहिए, और इन सब के बलबूते हर आदमी को अपना बनाने की कोशिश करती हैं। उनके दिल में प्यार नहीं होता है, लेकिन वो प्यार मेरे दिल में है। जब किसी का प्यार छिन जाता है तो दिल जरूर तड़पता है, दुखी होता है, लेकिन दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। तो तू क्या है, घुंघरू बांध के नाचने वाली? हे भगवान, जेल से राक्षस बन के बाहर आने वाले मेरे भैया को फिर से मेरा पुराना भैया बना दो। मेरी यही विनती कि ये भैया सही राह पर आ जाएं। चलो। भार्गव की लंबी उम्र की मनोकामना करने आए हो? उसे तो हम ठिकाने लगाने वाले हैं। जरा ध्यान से सोच के बताओ कि हम लोग कौन हैं? कौन हो तुम लोग? जब खाली होता हूँ तब ताड़ी और सुपारी मिलने पर मैं खून पीता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, लड़कियाँ मेरी कमजोरी है। हाथ दूर रख और सुन, भार्गव का अगर मैंने बता दिया ना तो तुम्हारी हड्डी पसलियां तोड़ देगा। ज्यादा ही बोल रहा है ये, कुछ ज्यादा ही बोल तो रहा कुछ है। करना होगा। लगता है मेरी बैटरी चार्ज हो गई है, अब इसे ले जाना ही होगा। इन्हें मत
ढूंढूंगा, अगर नहीं ढूंढ पाया तो मैं भी मंत्री जी का छोटा भाई नहीं। चलो रे। आगे छोड़िए। चिंता मत करिए, इनका घाव ज्यादा गहरा नहीं है। ये सब कैसे हुआ पद्मा? वो दास गुंडों को लेकर आया था। नहीं पद्मा, अगर इसे सब बता दिया तो ये उन्हें जान से मार डालेगा। मैं सब समझ गया हूँ रे, अब तो ये बात मुझे राजशेखर को समझानी है। अरे इस तरह से रो क्यों रहे हो? कोई मर गया है क्या? अरे चुप करो, शाबाश मेरे छोटे। भैया वो जिस तरह से आ रहा लगता है हमें जान से मार देगा। अरे सुन दास, उसे वहीं रोको, ध्यान रहे वो अंदर ना आए। हाँ, तू चल अंदर। हाँ। अरे भैया मुझे आने दो, अरे अंदर आने दो मुझे, मैं तुम्हारा सदानंद हूँ। भैया आने दो अंदर। भैया ये मुझे जान से मार डालेगा, दरवाजा खोलो। भैया लगता है उसकी बैटरी डाउन हो गई है, दरवाजा खोल दूं क्या? अगर दरवाजा खोला तो बेकार में उस भार्गव का हमें खून करना पड़ेगा। तो ये बात है। अरे मुझे बचा लो भैया, बचा लो। राजशेखर रुक जा। क्यों? मौत को सामने देखकर डर पैदा हो गया जब पिस्तौल निकाल ली? ये मौत का डर नहीं है, मौत के घाट उतारने की राजनीति। मेरे ऊपर गोली चलाने की ना तुझ में हिम्मत है और ना ही तेरे अंदर मर्दानगी है। ओए सुन, मेरी भोली भाली माँ का खून करने वाला असली खूनी तू है। मेरे पिताजी को मेरी ही आंखों के सामने मरवाने वाला भी तू ही है। और मेरे लिए जो भाई से भी बढ़कर है शंकर, अब अगर उसे भी तुमने मारने की कोशिश की तो इस भार्गव का असली रूप तुम्हारे सामने आ जाएगा। वैसे भी तेरी मौत तो मेरे ही हाथों लिखी है, तेरे पापों का भांडा फोड़ दूंगा। अच्छा, दिन में सपने देख रहा है? यस। पैसों के लिए तुमने जिस इंजीनियर को मरवाया उसकी फाइल, गरीबों का अस्पताल बना रहा हूँ बोलकर प्राइवेट अस्पताल बनाया उसकी फाइल, इन सब का पर्दाफाश करके तुझे नंगा करूंगा। ए, अगर वो फाइल गायब हो जाएगी तो तू हमारा क्या कर लेगा? फाइलों को अपने कब्जे में करके तुझे मार के तेरे हाथ में नर्क जाने का टिकट भी दूंगा। भैया छोटे। हाँ। उस भार्गव के हाथ कोई सबूत नहीं लगने चाहिए। हाँ। सदानंद से बोल के गोडाउन में जितना भी माल पड़ा है उसे बाहर भिजवा दो। ठीक है। उसके बाद ये क्या करता मैं भी देख लूंगा। ठीक है भैया। नीचे उतर। उतर रहा हूँ भैया। भैया क्या बात है? उल्लू के पट्टे, तू यहाँ से ये सारा सामान ले जा रहा है, इसका सबूत दे दिया है। चल पुलिस स्टेशन। अबे चलना। ये अच्छी बात नहीं है। चुप कर। जेल में बंद करने के बाद भी चुप रहने को बोल रही है, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रह पाऊंगा। भैया देख लो, होम मिनिस्टर का फोन आया होगा, उनसे कहना मैं पुलिस स्टेशन में बांधू, किसी होटल से अच्छा खाना भिजवा दे। शट अप। हाँ? हेलो, मैं हूँ मंत्री जी का छोटा भाई बोल रहा हूँ। क्या बात है? क्या बात है, मेरी बैटरी फुल चार्ज है, तुमने हमारे सदानंद को पकड़ लिया है तो इसमें तुझे क्या है? तुझे क्या है, मेरी बैटरी दरअसल इस समय पूरी चार्ज में है। तेरी बैटरी डाउन करने के लिए चिंता मत कर, मैंने भी इंतजाम करके रखा है। ए, तुम मंत्री जी के छोटे भाई से बात कर रहे हो, ये बात याद रखो, इस राज्य में आजकल मेरे भैया की सरकार है, मंत्री जी की केंद्र सरकार में भी बहुत चलती है। अधिकार हमारा है, नर्क हमारा है, स्वर्ग हमारा है, और सजा भी तुम्हारी ही है। अरे बाप रे, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम हमारे सदानंद को छोड़ते हो या टेलीफोन पर ही मुझसे बात करते रहोगे? अगर तू इस वक्त मेरे सामने होता तो यहीं पर तेरा ढोल बजा देता। फोन रख लो के बटा। लगता है तेरी बैटरी को उड़ाना पड़ जाएगा, मैं मंत्री जी का छोटा भाई हूँ। हाँ,
क्या बोला उसने? चमचमा के फोन में डीसीपी की बात सुनकर इनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। चुप कर। मेरे डायरेक्ट फोन करने पर कहीं रिकॉर्ड करके पार्टी प्रमुख के पास ना भेज दे, इसलिए मैंने फोन नहीं किया। वो मेरे फोन करने से भी नहीं माना। अगर तुम फोन करते ना, वो तुम्हें भी खरी खोटी सुना के तुम्हारी सारी इज्जत का फालूदा बना डालता। अब ये छोड़, पहले सदानंद को बाहर निकालना होगा। सदानंद को बाहर निकालने का एक बहुत बढ़िया प्लान बताऊं? ठीक है बता। गरीब लोगों के देवता हमारे सदानंद जी को बिना गलती के अरेस्ट किया है, ऐसा पब्लिक के बीच उछाल देंगे। पूरे गाँव को इकट्ठा करने की बात नहीं है भैया, हम लोग पूरे गांव को इकट्ठा करके दास के गुंडों को भिजवा कर भीड़ में तोड़फोड़ मचवा देंगे। ओफो, इस वक्त जो तुम बात कर रहे हो तुम्हारे लेवल में जज नहीं रही। लौंडियों को बस में करके उनकी साड़ियाँ खींचना हमारा लेवल है। ये क्या कह रहा है रे? लगता है तेरी बैटरी भी चार्ज हो गई है। ओफो, पॉइंट की बात करो ना। अब इसमें पॉइंट क्या रह गया? हमारे बीच जो रुकावट है उस डीसीपी के करेक्टर को रिश्वत खोरी के अपराध में फंसाने का हम लोग प्लान बनाएंगे। उसके बाद उसकी नौकरी फटे हुए पेपरों की तरह बिखर जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन उससे गड़े मुर्दे कहीं बाहर निकल गए तो? गड़े मुर्दे निकलेंगे? यानी कि हमने जो करोड़ों का घोटाला किया वो कह रहे हो? सिर्फ वही बात नहीं है, लोगों की सेवा के लिए सरकार में अर्जी देकर प्राइवेट अस्पताल बनवा कर करोड़ों की तादाद में जो रुपया कमाया है वो साबित कर दिया ना, तो आज तक जितना भी पैसा हम लोगों ने कमाया है ना, सूद समेत वो सरकार में हमें भरना होगा। अरे ऐसे काम में तो हमें गांव वालों का साथ लेना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, इंतजाम मैं कर दूंगा, पीस के रख दूंगा। जम जमा के चम चमा के सदानंद को छोड़ दो, पुलिस का जुल नहीं सहेंगे, डीसीपी राजशेखर जी जिंदाबाद, राजशेखर जी जिंदाबाद, डीसीपी पुलिस का जुल नहीं सहेंगे। बताने के लिए क्या रह गया है? मेरा दिल बुरी तरह से रो रहा है, मेरे लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, जनता बुरी तरह से टूट चुकी है। हमारे गांव की ऐसी हालत हो गई है, महिलाओं की इज्जत की सुरक्षा नहीं रही है। मेरी बात सुनिए, इन सब का जिम्मेदार वो डीसीपी ही है जिसने हमारे भोले भाले सदानंद को जेल में बंद कर दिया। उसे पहले पेज में छापना। इसीलिए तो मैंने कहा था भैया प्रताप राव जी, हमारा सदानंद जनता का फरिश्ता है, उसे जेल में रखने पर जनता जिएगी या मरेगी कुछ पता नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? अगर उस डीसीपी को डिसमिस नहीं किया तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तुम क्या कहते हो? जो लोग मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ? राजशेखर जी इस्तीफा देने वाले हैं। अगर उनका मंत्रिमंडल यही चाहता है तो उसमें गलत क्या है? मिस्टर प्रताप राय, बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, आप सदानंद को छोड़ दीजिए। जब कोई कुत्ता पागल हो जाता है तो उसे गोली मार देते हैं, ये हमारे देश का कानून है। आई डोंट वांट एनी आर्गुमेंट, डू व्हाट आई से। सर्टनली आई विल ओबे योर ऑर्डर्स, लेकिन 24 घंटे के अंदर उस सदानंद को और उसके आगे पीछे लार टपकाने वाले सभी वीआईपीओं को अरेस्ट करूंगा, नहीं तो आई विल रिजाइन। इतना बड़ा हाथ, बाप रे, मुझे कुछ मत करना, मैं छोटा बच्चा हूँ। अबे चूजे कहीं के, जो कहता हूँ कर। ये देख, ये कैसेट ले जाकर राजशेखर को दे दे। भैये सबको नमस्कार करता हूँ। आखिर ऐसा क्या हो गया है जो रोते हुए आ रहे हो? अब देख लेना पूरा गांव तुम्हारे फेवर में होगा। हाँ, बहुत बड़ा फेवर हो गया। भैये 24 घंटों के अंदर तुम सबको सलाखों के पीछे कर देगा, ऐसा डीसीपी ने पुलिस वालों की मीटिंग में ताल ठोक कर कहा है। भैये 24 घंटे में तो हम हमारे सारे सबूत मिटा देंगे ना भैया। भैया भैया चमचमा के चमचमा के। रोना बंद कर, बता क्या हुआ। भैया जब भी ये इस तरह से रोना शुरू करता है तो समझ लो किसी की अर्थी उठने वाली है। ओह, ये तो ऐसा बोल के और भी थ्रिल कर रही है। ओफो, बात क्या है बता, हम पहले से ही परेशान है। उस भार्गव ने मुझे चूजा बोल के ये कैसेट आपको देखने को भेजी है। दुष्ट लोगों के लिए दुष्टाभिनंदन। अरे बाप रे, ये तो हमारे मुंह पे गाली दे रहा है, इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? वो तो ठीक है, लेकिन उससे गड़े मुर्दे कहीं बाहर निकल गए तो? गड़े मुर्दे निकलेंगे? यानी कि हमने जो करोड़ों का घोटाला किया वो कह रहे हो? सिर्फ वही बात नहीं है, लोगों की सेवा के लिए सरकार में अर्जी देकर प्राइवेट अस्पताल बनवा कर
करोड़ों की तादाद में जो रुपया कमाया है वो साबित कर दिया ना, तो आज तक जितना भी पैसा हम लोगों ने कमाया है ना, सूद समेत तो सरकार में हमें भरना होगा। देख लिया ना, डीसीपी प्रताप राय ने तुम्हें सरेंडर होने के लिए 20 घंटे का टाइम दिया है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 12 घंटे का ही टाइम दे रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मुझे दोष मत देना, ये कैसेट पुलिस स्टेशन पहुँच जाएगी, याद रखना। क्या हो गया भैया, तुम इस तरह से घबरा गए? राजनीति में तो ये सब होता ही रहता है ना। क्यों राजशेखर जी, आपने पार्टी के सिद्धांतों को तोड़कर अपने स्वार्थ के लिए कुर्सी का इस्तेमाल किया, ऐसी हमें खबर मिली है, क्या ये सच है बताइए? अब बताने के लिए क्या रह गया है, इस देश ने महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ा है, जिसने हमें आजादी दिलाई उसी को मार डाला, अब मैं क्या कहूँ? भैया तुमने कोई अपराध नहीं किया है, ऐसा इंसाफ से बताकर इनका मुंह बंद कर दो। अब बोलने के लिए क्या रह गया है, आप दोनों के खिलाफ रिपोर्ट आई है। ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। भार्गव ये क्या है, यहाँ हमारी पार्टी की मीटिंग चल रही है। बाप ने मारी मेंढ की बेटा तीर अंदाज, दो और दो को तुम इस तरह से मिलाते हो कि पांच बन जाए, यही है ना तुम लोगों की राजनीति। ओए यहाँ मेरे भैया की मीटिंग चल रही है, अपनी बैटरी को काबू में रख। अबे चुप, ज्यादा चिल्लाएगा तो मारा जाएगा। धमकी किसे दे रहा है, इस तरह की धमकी अपने पिल्लों को दिया कर जरा जरा सी बात पर कुर्सियां लगा कर बैठ जाते हो, यही है ना तुम मंत्रियों की क्वालिफिकेशन। सुनो, अगर इनका गुनाह साबित हो जाता है तो हम इन्हें कुर्सी से उतार देंगे। अपनी जबान से मुकरना नहीं, 6 घंटों के अंदर ही मंत्री की कुर्सी पर बैठकर तूने क्या क्या किया ये साबित करूंगा, और तेरे नीचे से कुर्सी निकलकर दूर जा गिरेगी। हमारे सामने इस तरह की धौंस जमाने की जरूरत नहीं है, वो कैसेट तो हमारे पास ही है, अब तुम क्या करोगे? ओरिजिनल कैसेट मेरे पास ही उल्लू के पट्टे। राजशेखर, इस लड़के की बात पर तुम क्या कहते हो? मैं निर्दोष हूँ ये साबित करने के लिए मैं तैयार हूँ, अगर 6 घंटे में इसने साबित कर दिया कि मैं अन्याय करता हूँ तो अपने पद से मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। सिर्फ अन्याय ही नहीं, ये खूनी है ये भी साबित करूंगा, और उसके बाद इसे सरेआम फांसी लगवाकर इसकी लाश को गधे पे रखकर शहर की हर गली में घुमाते हुए शमशान घाट पहुंचाऊंगा। वो झूठे गवाह और सबूत इकट्ठा करे उससे पहले मैं उसे दबोच लूंगा, आप लोग यहीं रुकिए। छोटे भैया, मेरे ख्याल से हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए, इन 6 घंटों के अंदर वो जमीन के अंदर समा जाना चाहिए। हाँ ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी मिस्टर भार्गव, लेकिन 6 घंटे के अंदर तुम ये काम कर पाओगे या नहीं पता नहीं। मुझे भरोसा है सर, बस आप अलर्ट रहिए, भले ही मेरी जान भी क्यों ना चली जाए मैं उसका पर्दाफाश करके ही रहूंगा। आप कालिदास को पकड़ के सलाखों के पीछे डालिए, मैं रोजी के पास जाके वो कैसेट लेके आता हूँ। जहाज उड़ा रहे हो? हाँ अंकल। मुझे तुमसे एक काम है। जी बोलिए। अगर मैं डायरेक्ट उस भार्गव का मर्डर करूंगा तो इल्जाम मुझ पर आ जाएगा, वो ठीक 6 बजे रोजी के घर पे आएगा ये बात मैं जानता हूँ। तुम अपने इस रिमोट वाले जहाज से कुछ ऐसे करामात दिखाना कि वो एक्सीडेंट में मर जाए। ठीक है अंकल, जिस दिन मेरी नौकरी छीनी उसे मैं खुद मारूंगा, आप जाइए अंकल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हेलो, मैं लता बात कर रही हूँ। ओ, क्या मन में कोई और प्लान आया है जो इस वक्त मुझे फोन किया? मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, लेकिन सुना है तूने टेप संभाल के रखा है। जो रिकॉर्ड किया हुआ टेप है वो मैंने संभाल के रखा है। नहीं, मैं अभी भी कह रही हूँ कि तुम उसके रास्ते से हट जाओ, राजशेखर अपने लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, भार्गव को जान से मारना चाहता है। सुनो, तुम भले ही कैसी भी हो पर तुम चाहो तो भार्गव को राजशेखर से बचा सकती हो। ओए, कहाँ जा रही है? तुम लोग कौन हो? डैडी! चल! डैडी! छोड़ो मुझे! छोड़ दो! डैडी! रोजी, मैंने तुम्हें कैसेट दी थी ना, वो कहाँ है? वो नहीं है। नहीं है, खैर छोड़ो, लेकिन तुमने उसका किया क्या? उसे मैंने जला दिया। तेरा ये बदन ही नापाक नहीं है बल्कि जमीर भी नापाक ही तूने साबित कर दिया है। मेरे दिए उस सबूत को मिटाकर तू राजशेखर को बचाना चाहती है ना? उसी राजशेखर के घर जाकर मैं सबूत फिर से जुटाऊंगा। इस कैसेट में रहस्य के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी है, और तुम्हारी जिंदगी बचाना मेरा फर्ज है। हाँ
क्या बात है, आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो। आज कोई खास दिन है क्या? खास दिन हो या बेकार के दिन, मेरी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं? अच्छा, तो एक सच्चाई बताना, तुम्हें मैंने बचपन से पाला है ना, तुम्हें मेरे ऊपर प्यार आता है या नफरत होती है, है? अचानक तुम्हें ये शक क्यों हुआ? दरअसल आजकल लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर देते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो ये बात तुम जानो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नमक हराम कहीं की, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और आज तू मुझे ही डसने की कोशिश कर रही है। शाबाश छोटे, इन दोनों को ले जाके उसके साथ बांध दो, जल्दी करो। भैया अब तो सिर्फ बैटरी ही नहीं डायनमो भी चार्ज हो जाएगा। सही कहा, आज तो बहुत मजा आएगा। हाँ, हमें तुम लोग यहाँ पे क्यों लाए हो? तुम लोगों को न्याय दिलाती हो ना? अत्याचार करना तो हमारी परंपरा में है। जहाज को चलाने के लिए पायलट चाहिए होता है, और मेरा जो दुश्मन है उसे अपने रास्ते पे लाने के लिए उसकी हीरोइन हमारे कब्जे में है। भैया आज हमारी हवा निकल जाएगी भैया। अरे ऐसा क्या हो गया जो इस तरह दौड़ते हुए आ रहे हो? मामूली बात नहीं है भैया, वो डीसीपी हम सबको पकड़ने के लिए सीआरपी लेके आ रहे हैं भैया। अगर उसने यहाँ पर अपना कदम रख दिया तो हमारा खेल खत्म समझो। सुन दास, उस डीसीपी को बाहर ही रोक के रखना, यहाँ उसकी परछाई भी ना पड़े। चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। सही कहा, चमचमा के जल्दी जाओ। हम लोगों को यहाँ रख के अपनी जान बचाने के लिए मेरे ताऊजी को धोखा देना चाहते हो? यही तो राजनीति कहलाती है। तुम्हारी बैटरी भी ठीक से चार्ज नहीं हुआ। हाँ रे छोटे, उस भार्गव ने जो टाइम दिया था उसमें 6 घंटे बाकी हैं। इतनी सुंदर अप्सराओं के होते हुए 6 घंटे तो पता भी नहीं चलेंगे भैया। भैया तेरी बैटरी तो पूरी तरह से डाउन हो चुकी है, अब चिल्लाना बंद करना, बेकार में क्यों चिल्ला रही है? इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां सामने रख के इधर उधर की फालतू बातें क्यों कर रही है? एक से भरतनाट्यम और दूसरी से कथकली क्यों नहीं करवाते हो? जब ये दोनों नाचेंगी तो बढ़िया थ्रिल होगा ना। बढ़िया आइडिया है, देखो जब तक मेरी बैटरी चार्ज नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों को डांस करना होगा। नहीं किया तो? अगर नहीं करोगी तो ये मेरे कब्जे में रहेगी, अगर नहीं नाचोगी तो ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। पद्मा को कुछ मत। मेरे छोटे ने जो कहा वो मान लो। भैये एक काम करो, तुम यहीं रहो, वो ओरिजिनल कैसेट कहाँ छुपाई है मैं देख के आता हूँ। अरे जाना। भैया इनके ये कपड़े अच्छे नहीं है, इन्हें दूसरे कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, कॉस्ट्यूम्स। आज दिखाऊंगी तुझको देखना एक नार की शक्ति। अपनी शक्ति पर फूल रहा है जो अब रोने की बारी है।
क्यों रे, कैसेट मिली? कहीं भी नहीं मिली भैया, इन लोगों ने मिलकर जोरदार थ्रिल कर दिया भैया। क्यों रे, क्या हुआ? वो ओरिजिनल कैसेट हमारे हाथ नहीं लगी। क्या? जल्दी बता, वो भार्गव कहाँ है? नहीं बताऊंगी। पहले मैं लड़कियों की इज्जत लूटने के सक्षम में था, लेकिन आजकल मैं मर्डर भी करने लग गया हूँ। अगर तू नहीं बताएगी तो मैं तेरे बदन पर। भार्गव कहाँ ही नहीं, बता दो रोजी। अगर बता दूंगी तो ये भार्गव को जिंदा नहीं छोड़ेगी। भार्गव इतनी जल्दी इन लोगों से हारने वाला नहीं है रोजी, बता दो इन्हें। अगर तू अपने लवर की बैटरी सुरक्षित रखना चाहती है तो जल्दी से बता दो। बता दे मेरी जाने मन, वो भार्गव इस वक्त कहाँ है? राजशेखर के घर में। क्या? मेरे घर में? अरे ये कैसा मजाक कर रही है, एक काम कीजिए, घर फोन लगाइए। हेलो। क्यों भैया, कैसे हो भार्गव? ओ तो तू है, कहाँ से बोल रहा है? तू मेरे घर में घुसा है और मैं तेरे घर में हूँ। वही रोजी के घर में। ये बात हुई ना भैया, उसकी बैटरी फाड़ता हूँ, फोन मुझे दो। तेरी प्रेमिका लता और तेरी बहन पद्मा और तू जिसके घर आता जाता है वही तेरी जूली, इस वक्त ये तीनों की तीनों हमारे कब्जे में हैं। भैये तू वहाँ अकेला बैठ के क्या कर रही है? सबके सब यही है, जल्दी आ जा। सही कहा। Thank you.
के अंदर जल्दी चलो। हार गई है। भार्गव के सच्चे प्यार की हकदार मैं नहीं हूं लता, तुम हो। रोजी। सॉरी मिस्टर भार्गव, अपने सगे संबंधियों से भी ज्यादा अपने कर्तव्य को मानता है ये पुलिस अफसर, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी हथकड़ी पहनानी पड़ रही है। अदालत से बरी होकर जब वो आम जिंदगी जिएगी तभी लता के साथ मेरी शादी होगी।